मैट्रिक्स की जो आपने ऐप बनानी थी वो इस तरह की बनानी थी कि एक मैट्रिक्स आप यहाँ पे लेंगे इनपुट, एक मैट्रिक्स यहाँ पे इनपुट लेंगे, ये सम का बटन है, ये सब्ट्रैक्ट का बटन है, दोनों में से कोई भी मैं प्रेस करूँगा, अगर सम प्रेस करता हूँ तो इनको और इसको दोनों मैट्रिक्स को प्लस करके नीचे यहाँ रिजल्ट शो हो जाए, और अगर सब्ट्रैक्ट को क्लिक करता हूँ तो इसको और इसको दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके नीचे रिजल्ट शो कर दे। तो ये करना था जो मैंने वर्बली बताया था। तो सर समझने की गलती हो गई है, ये क्या इंशाल्लाह परसों मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है कि ये जो दो बटन है तो ऑन फॉर्म के ऊपर जो ऑन सबमिट लगा हुआ है उसमें तो कोई एक ही फंक्शन कॉल होगा ना? नहीं, फॉर्म के ऊपर नहीं, फॉर्म के ऊपर जो ऑन सबमिट लगा हुआ है उसके अंदर आप दो बटन अलग अलग भी तो लगा सकते हैं ना, दो बटन भी आप लगा सकते हैं, वो मैं लगा के दो बटन लगा दिए दोनों पर ऑन सबमिट, उनकी टाइप जो है वो सबमिट हो गई तो वो फंक्शन नहीं सबमिट का तो नहीं, सबमिट का बटन तो खैर एक ही होगा, लेकिन मैं आपको ये बना, अगर आप इसमें स्टक है ना कि फॉर्म के अंदर दो बटन कैसे लगेगा, अगर तो आप इसमें स्टक हैं तो ये मैं आपका मसला हल करवा सकता हूँ। अगर आप दो चीज़ें सर, दो चीज़ें, एक तो ये वाला कि दो बटन कैसे लगेंगे और एक ये कि जो फॉर्म की मल्टीपल इनपुट्स हैं वो एरे में डायरेक्ट कैसे जाएंगी, जैसे मिसाल के नौ वैल्यूज हैं तो वो डायरेक्ट एक कोई कमांड है ना शायद, वो मैं ट्राई भी कर रहा था नेम से, हाँ। नेम से जो है ना वो एरे में लेते हैं लेकिन वो सक्सेसफुली हुआ नहीं, वो अनडिफाइंड आ रहा था, तो वो अगर आप करके दिखा दें तो ये अच्छा हो जाएगा, अच्छी लर्निंग है इसमें। अच्छा, अभी तक आपने कितना बनाया हुआ ज़रा मैं वो देखना चाह रहा हूँ ना, पहले आप मेरी स्क्रीन देख लें, मैं शेयर कर रहा था पहले भी। जी जी, आप प्लीज़ अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर दें। शेयर हो गई, हाँ। अब ज़रा प्रीव्यू ऐप को खोल लें, चला लें ज़रा इसको। कहाँ है सर ये? कॉपी पाथ करके जैसे रन करते हैं ऐप को, जैसे रन करते हैं ब्राउज़र में रन कर लें इसको। हाँ, ये मैंने इसको ना वो लाइव जो है वो किया हुआ है, मैं कर देता हूँ इसको भी। सही, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया आपने। अब आप नीचे जाएं, इसको ज़रा चला के भी दिखा दें, अभी तक क्या फंक्शनैलिटी चल रही है वो दिखा दें। हाँ, मैं बता देता हूँ। अब मैं जब ऐड करूंगा ना तो ये सिर्फ इसमें मैट्रिक्स का जो हेडिंग है ये वो प्रिंट की है, और कंसोल भी जैसे मैंने करवाया हुआ है तो ये एरर्स हैं। कैन नॉट रीड जीरो ऑफ अनडिफाइंड ना, ये तो इस वजह से आ रहा है कि जिस चीज़ पे आप जीरो इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं ना वो चीज़ अनडिफाइंड है। लाइन नंबर 130 पे जाएँ ज़रा, हाँ, ये आपने जो आई और जे एक्सेस किया हुआ है ना, ये ARR1 का, ARR1 में आई और जे जो लगाया हुआ है, ARR1 अनडिफाइन आ रहा है। हाँ यही, और ये ARR1 जो है वो मैट्रिक्स 1 है और ये मेरे पास आ रहा है फॉर्म से आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको हार्ड कोड कर दूंगा ना, हार्ड कोड और दोनों मैट्रिक्स को, नहीं वो असल में ऐसे नहीं लेना था आपको, देखें असल में ऐसे नहीं लेना था, अगर तो ये तो एलिमेंट बाई नेम करके आ रहा है ना, इससे क्या होता है जितने भी एलिमेंट है ना उस नाम के वो पूरे उठा के ले आता है, तो इसमें H1 वगैरह कुछ आप इस तरह जैसे नाम लिखना था आपको। अच्छा, तो इससे मैंने काफ़ी ट्राई किया है लेकिन ये फॉर्म से जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, हार्ड कोड से तो फिर ये हो रहा है। नहीं, असल में ये जो क्लास नेम से आपने गेट किया ना, इसका काम ये होता है, जैसे अगर मैं वापस जाएँ ज़रा क्लास नेम वाली जगह पर, अब इसमें बाई गेट एलिमेंट बाई नेम, अब यहाँ पे ना ये आपने जो मैट्रिक्स वन और स्क्वायर ब्रैकेट ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखेंगे एच वन अगर मिसाल के तौर पे, तो पूरे पेज में ना आपके एच वन के जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो सब उठा के ले आएगा एक एरे की सूरत में। सही सही है। अच्छा, ये एलिमेंट तो मेरा इनपुट है
फॉर्म का इनपुट है ये इस देखें जो इनपुट। अभी आपने नाम लिखा हुआ है ना, मैट्रिक्स वन जो आपने नाम लिखा हुआ है, इस नाम का ठीक एलिमेंट है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है आपके पेज पे। अच्छा ठीक है, ये इनपुट नेम है, मैंने बी दिया हुआ आर है। है, लेबल है, एच टू है, डिव है। ठीक है, नहीं, इस नेम से, इस नेम की बात नहीं हो रही है, अच्छा इस नेम की ठीक है बात नहीं हो ठीक रही है, ये है, एलिमेंट ये की नेम की बात हो रही एलिमेंट है। के ठीक नाम की बात हो रही है। है, ठीक है, हम ज़रा ये देख भी लेते हैं क्या था वो, गेट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय बाय नेम। नेम, ये असल में मैंने स्टैक ओवरफ्लो से ये नहीं, देखा हम था ये इसकी मेथड। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं ना कि ये क्या इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। चले आप देख लें। ऑल एलिमेंट बाई एफ नेम, एफ नेम क्या चीज़ होता है ये, ट्राई इट योर सेल्फ में ये आ जाएगा। असल में ये इतना यूज़ नहीं होता। अब मैंने भी, अच्छा आप सही कह रहे हैं, ये उसी नेम की बात कर रहा है, जी, सही है, ये ये उसी नेम इसकी, की बात कर रहा है। हाँ अच्छा, ये ये असल में कुछ एलिमेंट ले भी रहा है एरे में ना, कुछ ले भी रहा है फॉर्म से, लेकिन वो जो जो मैंने वैल्यू एंटर की है वो नहीं ले रहा, वो अनडिफाइंड आ रहा है, तो इसमें कुछ हाँ, इश्यू अच्छा है। आप ज़रा अपनी स्क्रीन वो कोड वाली जगह पे जाएं दोबारा, आपने नाम क्या लिखा हुआ है। मैंने नाम लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है मैट्रिक्स वन एक में, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें लिखा हुआ है मैट्रिक्स टू। हाँ ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा, आपके पास एक एरे रिटर्न कर रहा होगा आपको, और उस एरे में लाइन से ये सारे एलिमेंट्स होंगे, ये अच्छा आपको मिल वो रहा होगा इसको इसमें। मैंने जो है ना इस एरे में कैच करने की कोशिश की है, हाँ, तो और अभी ये इस कुछ एरे हो भी को रहा। जब आप 118 पे इसको प्रिंट करवाएंगे ना, तो आपके पास 10 के करीब एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन पे, लाइन से प्रिंट हो जाएंगे, तो हर एक पे डॉट वैल्यू करके आपको उसकी वैल्यू भी मिल रही होगी। ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। ठीक है, इससे आसान तरीका ये ऐसा हो सकता था कि आप ना उसको गेट एलिमेंट बाई आईडी करके उसको गेट कर लें, हर एलिमेंट को अलग अलग कर लें, फिर डॉट वैल्यू करके, हाँ डॉट वैल्यूज़ में करके वो ऊपर कर असल लें, में वो भी वो हो ठीक है। जाएगा, वो तो आसान काम है। उसमें मुझे ये 9 और 9 18 मरतबा ये लिखना पड़ेगा, मैं हाँ ज़रा एफिशिएंट नहीं, कोडिंग करना उसमें चाह रहा था। उसमें भी आप फॉर लूप चला सकते हैं, अगर आप आईडी उसको इस हिसाब से देना कि पहले वाले को आईडी दे दें आप 0, फिर दूसरे को 1, फिर तीसरे को 2, तो आप लूप चला के भी चलो गेट एलिमेंट बाई आईडी कर सकते हैं, ये इसी काम को। चलें ठीक है, वो मैं कर लूँगा उस तरीके से। ठीक है सर अच्छा, ये मैं ज़रा अब आपको बता देता हूँ कि ये गेट कैसे होगा। जी, स्क्रीन स्टॉप कर दूं। अच्छा हाँ कर दी मैंने। अच्छा मेरा ख्याल है और किसी से भी नहीं बना है ये, और कोई है जिससे बन गया हो। इससे बन तो गया, रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन उसको एक डिव में जिस तरह से आपने बताया उसको प्रेजेंट करना नहीं आ। अच्छा अभी क्या किया मैं, प्रेजेंट ज़रा वो दिखा दें अगर दिखा सकती हैं तो। क्या वो मैं पुश करके आपको दिखा हाँ दूँ? पुश कर दें जी। बाबर भाई क्या रिपोर्ट है आपकी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बाबर भाई, मेरा ख्याल है ये गलती से माइक खुला रह गया बाबर भाई का। अच्छा सर आप ना एक दफ़ा समझा दें थोड़ा ना, थोड़ा वो कंफ्यूजन है थोड़ी। हाँ नहीं, अभी मैं समझाने के ही बारे में ही सोच रहा हूँ, मैं समझाने के ही बारे में सोच रहा हूँ मैं सर हुआ लेकिन मतलब हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ। नहीं यही तो सवाल है ना कि हुआ क्यों नहीं, हो जाना चाहिए यार, इतना आसान है, बहुत आसान है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी मैं करूँगा तो आप देखेंगे ये बड़ा आसान है। सर वो मैट्रिसेस में ना थोड़ा गड़बड़ हो रही है। सही, अच्छा ये तो असाइनमेंट भी मेरा ख्याल है पुराना हो गया अब तो, ये मैंने लास्ट क्लास में दिया था या उससे भी पहले दिया था, क्योंकि लास्ट क्लास में तो हमने ये पढ़ा था सर ना। लास्ट क्लास में दिया था आपने। अच्छा ये नेस्टेड एरे का मैंने दिया था, ठीक है, नेस्टेड एरे के कॉन्टेक्स्ट में दिया था मैंने। वेल बना लेते हैं हम एक जल्दी से, अब 27। अभी क्लास तो शुरू ही नहीं हुई ना। हाँ क्लास शुरू हो गई है, हम ये अभी असाइनमेंट हुआ नहीं है लोगों से, तो वो मैं ज़रा पहले करके दिखा दूँ। आपसे हुआ बाबर भाई। मैं असल में मेरी मैं एक बहुत बड़ी वो मार्कशीट बना रहा था, तो तकरीबन तकरीबन समझे 5% काम रह गया है, अच्छा तो उसको बस कुछ करना है। मैं उसके अंदर वैलिडेशन बहुत सारी लगाई है मैंने, तो वो एक मार्कशीट
ऐसी है नहीं, वो समझे कि रॉ भी चल रही है उसमें कॉलम भी चल रहे हैं, फिर नीचे रिजल्ट भी आ रहा है ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक नीचे जो है ना पेरेंट के और क्लास टीचर के और एक और के ना नीचे साइन भी आ जाते हैं, तो वो बन गया है पूरा। तो बस जरा सी नोक पलक रह गई थी, वो दुरुस्त करी, उसके बाद मैं इसको आज बना दूंगा इंशाल्लाह। सर मैंने अपना कोड शेयर किया काइंडली, वो चेक करना। मैट्रिक्स एडिशन सही तो बनाया आपने, अच्छा बनाया। सर इसका रिजल्ट प्रिंट नहीं करवाना आ रहा हूँ सही तरह। सर ये इस तरह प्रिंट हो रहा है। अच्छा तो ये आपने कैसे प्रिंट करवाया है ज़रा ये भी देख लेते हैं। अच्छा ये आपने एक टेबल लेकर उसके टी आर करके आपने करवाया है। अच्छा वेल ये भी आपका मसला भी अभी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं बनाऊंगा। तो असल में आपने करना ये था कि जिस तरह आपने ये बॉक्सेस बनाया ना जिसमें से आपने इनपुट लिया है, ठीक है, आपने जैसे लगाया ना आईडी इन वन इन टू इन थ्री फिर इन फोर, इसी तरह ही आपने ना एक डिव बनानी थी या एक टेबल बनानी थी और टेबल के हर सेल को आपने आईडी देनी थी, ठीक है। इमेजिन करें कि आपने जो ये टेबल बनाई हुई है इसमें जो ये टीडी है ना इसको आप एक आईडी दे दें, यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू मिसाल के तौर पे मैंने कहा आर वन रिज़ल्ट का, ये सही है आर ज़ीरो ज़ीरो बल्कि, क्योंकि पहला वाला जो होता है वो ज़ीरो बाई ज़ीरो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वाले को आपने दे दिया आई डी इक्वल्स टू ज़ीरो वन, ठीक है, ये आपने दे दिया। तो अब जब आप आके लिखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर या गेट एलिमेंट बाई आई डी कुछ भी आप लिखेंगे, और इसमें आप लिखेंगे कि आर ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, और डॉट इनर एच टी एम एल कुछ भी आपने किया, ठीक है, इनर एच टी एम एल की स्पेलिंग यही होती है ना, मैंने कुछ गलत किया भाई क्या, डॉट सही थी पहले आई डबल एन होता है ना, डबल आर कर रहा हूँ, सही है। कुछ भी मैं लिखूँगा अगर तो वहाँ पे चला जाना चाहिए इसको, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर एच टी एम एल ऑफ। अच्छा पहले तो मैं इसको गेट करूँ ना, ये आर ज़ीरो ज़ीरो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अच्छा आर ज़ीरो ज़ीरो मुझे नहीं मिल रहा आई डी, अच्छा वो आई डी का हैश नहीं लगाया ना मैंने इसलिए नहीं मिल रहा, आई डी के लिए वो हैश लगाना होता है पहले। अच्छा डॉट इनर, जब भी तो सजेशन नहीं मुझे दे रहा था ना, मैं बोला सजेशन क्यों नहीं दे रहा ये। अब यहाँ पे मैंने कोई भी इसको टेक्स्ट लिख के देना है ना, तो ये उस सेल में जाके उसको अब क्या इसने बोला है, इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा इनर एच टी एम एल इक्वल्स होता है ना यार, मैं क्या कर रहा हूँ, इनर एच टी एम एल इक्वल्स होता है ना, हाँ अब आ गया ना लिखा हुआ, ठीक है। फिर इसी तरह मैं आर ज़ीरो वन में अब लिखूँगा, तो ज़ीरो वन में कुछ मैं डिफरेंट रिज़ल्ट चाहता हूँ कि आ जाए, मैंने इसमें लिख दिया फाइव, अब क्या हुआ ज़ीरो। अच्छा इसमें आर नहीं लिखा मैंने, चलो आर लिख देता हूँ ना, आर ज़ीरो वन, ठीक है, तो ये देखें फाइव आ गया। अब इस तरह आप अलग अलग सेल में ना डायरेक्टली डेटा रखवा सकते हैं ऐसे करके, तो उससे क्या होगा आपका डेटा बिल्कुल सेम उसी तरह का दिखेगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी ये जो मैंने बात आपको बताई है, ठीक है। अभी आपका जो डेटा है ना वो टेबल के अंदर नहीं जा रहा है, वो कहीं और है, ठीक है। ये टेबल, ये पूरा टेबल है आपका, ठीक है, ये टेबल का रो है, ये टेबल का डेटा है, ये डेटा है, लेकिन आपका जो डेटा है ना वो अभी कहाँ गया हुआ है, वो टेबल की बॉडी से पूरा बाहर गया हुआ है। ये आपको समझ आ गई बात जो मैंने बताई है? जी सर थोड़ी बहुत समझ आ गई। अच्छा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए एक अदद फॉर्म, ठीक है भाई, और उसके ऑन सबमिट के ऊपर मुझे चाहिए एक अदद प्रोसेस मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोसेस मैट्रिक्स इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें सम भी हो रहा होगा और आपका सबट्रैक्ट भी हो रहा होगा। रिटर्न फॉल्स इसलिए ताकि मेरा पेज रिफ्रेश ना हो, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा इनपुट, इनपुट का टाइप मैंने कहा कि भाई नंबर होगा इनपुट की टाइप,
और नेम फ़िलहाल मैं इसका नहीं लिख रहा हूँ, सही है, मैंने इसको आईडी दे दी कि भाई ये M100 है ये, ठीक है, यानी मैट्रिक्स वन का 0x0 ये होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऐसे तीन मुझे बॉक्सेस चाहिए, ठीक है, ये 01 हो गया, ये 02 हो गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स वन है मेरा और ये हो गया। शुरू में मैं एक लेबल भी लगा देता हूँ, लेबल में मैं कह देता हूँ कि भाई ये क्या है, मैट्रिक्स वन है ये, ठीक है। ज़रा स्क्रीन पे उसको खोल के भी देख लेते हैं दिख रहा कैसा है ये, कॉपी पाथ, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अच्छा, अभी मुझे ना ये बॉक्सेस इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए, मुझे थोड़े छोटे चाहिए ये बॉक्स, राइट। एक BR लगा के मैं लेबल से इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। मुझे ये बॉक्स इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए, मुझे थोड़े छोटे चाहिए ये बॉक्स, तो वो कैसे करूँगा मैं, कौन बता सकता है? साइज़ लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैं साइज़ कह देता हूँ 3। तो ये इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि इसमें 3 कैरेक्टर सिर्फ आ सके, ठीक है। अभी तो बहुत बड़ा सारा शो हो रहा है ना, 3 कैरेक्टर का इसको मैंने बना दिया, नहीं बना, क्यों नहीं बना यार, ये साइज ही होता है ना, क्या होता है सर? मैक्स लेंथ से होता है, मैक्स लेंथ से होता है, मैक्स और मिन होते हैं। नहीं यार, मैक्स से भी नहीं हुआ, सिर्फ मैक्स लगा के देखता हूँ, ये क्या सीन है यार। अच्छा, ये मुझे लग रहा है नंबर वाले पे ना काम नहीं करता, ये टैक्स वाले पे काम करता है शायद, शायद सर रिक्वायर्ड लगा के चेक करें। नहीं नहीं रिक्वायर्ड से नहीं होगा, ये इसकी साइज़ सही होता है, हाँ साइज़ सही होता है, लेकिन वो अगर आप टाइप उसकी नंबर कर देना तो वो साइज़ उस पर काम नहीं करता। विड्थ काम करेगा शायद इस पर, विड्थ काम करेगा, विड्थ लगा के देखते हैं, विड्थ फिर हमें पिक्सल में देनी होती है शायद जी, विड्थ हमें पिक्सल में देनी होती है, मैंने कहा 15 पिक्सल मुझे चाहिए इसकी विड्थ, नहीं इस पे विर्थ भी काम नहीं कर रहा। इस पे हम देखते हैं नंबर वाले पे क्या चीज़ ऐसी है जो काम करेगी। विर्थ 15 पिक्सल, हाँ CSS के ज़रिए अगर मैं उसको विर्थ देता हूँ 15 पिक्सल तो ये काम कर जाती है। हाँ स्टाइल का टैग लगा के अगर विर्थ मैं इसको देता हूँ, अगर 15 नहीं चलो मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ इसको, 20 पिक्सल मैंने इसको विड्थ दे दी, तो ये इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जो साइज़ का एट्रीब्यूट है वो जब टाइप आपकी टेक्स्ट होगी ना तो वो सही काम करता है, नंबर पे वो काम नहीं कर रहा। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास 3 डब्बे आ गए छोटे, शायद थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए ये डब्बे, 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरा जो जूम लेवल है वो 0 पे 100% है जूम लेवल अभी, ठीक है, अभी मैंने कोई जूम वगैरह नहीं किया हुआ फ़िलहाल इसको। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, इसके बाद एक अदर लाइन ब्रेक, और लाइन ब्रेक करने के बाद 3 ऐसे डब्बे मुझे और चाहिए, क्योंकि मुझे 3x3 का मैट्रिक्स असल में अभी फ़िलहाल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये मेरे पास ना 9 डब्बे बने हुए आ गए, ठीक है, बीच में मैंने BR लगाया ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, रिफ्रेश किया मैंने, देखो 9 डब्बे बने हुए आ गए मेरे पास। अच्छा, इन डब्बों में मुझे ना थोड़ा सा क्या चाहिए, थोड़ा सा मुझे इसके अंदर वो भी चाहिए ना, क्या कहते हैं, मार्जिन वगैरह चाहिए, बहुत चपके हुए आपस में ये। अच्छा, तो मैं ये करता हूँ छोटा सा यहाँ पे ना हेड में स्टाइल भी बना लेता हूँ, छोटी मोटी स्टाइलिंग मुझे इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो आपका फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स हैं, सही है, ज़ाहिर है क्योंकि इनपुट के ऊपर कोई ऐसी आईडी फ़िलहाल नहीं लगी हुई जिसके ज़रिए मैं, या मुझे क्लासेस लगानी पड़ेंगी, तो मैं वो चाह रहा नहीं हूँ, मैं चाह रहा हूँ एक ही फॉर्म है मेरे पूरे उसमें, तो फॉर्म लिखूँ मैं और फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट हैं उस पर थोड़ा बहुत मार्जिन पैडिंग लगा दूँ। मैंने कहा फॉर्म के अंदर जो है, जो इनपुट है उस पर आप क्या कर दो, मार्जिन लगा दो 5 पिक्सल का, ठीक है, चारों साइडों पर 5-5 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने इतना सारा यहाँ लिखा है ना, स्टाइल स्टाइल विर्थ, ये विर्थ भी मैं वहीं पर ही दे देता हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टाइल अलग से बना लिया ना तो वहीं पे मैं विर्थ भी वहीं पे दे देता हूँ इसको। मैं कहता हूँ भाई इस इनपुट की ना विर्थ भी कितनी होगी, सबकी जो है वो 30 पिक्सल होगी। यहाँ से उड़ा देता हूँ विर्थ, थोड़ा मैसी हो रहा है यहाँ पे ना, यहाँ से मैंने उड़ा दिया विर्थ, ठीक है। मैंने कहा फॉर्म के अंदर इनपुट के जितने भी एलिमेंट हैं उस पर क्या कर दो, उसकी मार्जिन 5 पिक्सल लगा दो, उसकी विर्थ 30 पिक्सल लगा दो। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे अप्लाई हो चुका है ये, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार फॉर्म के ऊपर जो है ना,
मुझे ना एक स्क्वायर बॉक्स चाहिए इतने डब्बों के ऊपर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भला? क्योंकि मुझे दो, अभी एक और मैट्रिक्स भी है ना, दो मैट्रिक्स है मेरे पास असल में, तो इसमें मैं डिव एक बना देता हूँ ताकि ना उस डिव के ऊपर मैं क्या दे सकूँ, एक एक अदद बॉर्डर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ दे सकूँ, राइट? क्योंकि मुझे बॉर्डर करके इस तरह कुछ चाहिए। अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये होगा डिव और उसके अंदर फिर ऐसे होगा ना ये, ठीक है, क्योंकि बीच में अब एक डिव भी आ चुका है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि भाई फॉर्म के अंदर जो डिव है उसको आप क्या दे दो, बॉर्डर दे दो 1 pixel सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ये सॉलिड ब्लैक मैंने दे दिया। अच्छा, अभी ये विड्थ चली गई ये पूरे कोने तक ना, अभी इसका भी जुगाड़ करते हैं, हल निकालते हैं इसका भी, ठीक है। फिलहाल मुझे एक दूसरा मैट्रिक्स का बॉक्स चाहिए। सॉरी, स्क्रीन जो है ये स्टक हो गई है, लैग, दोबारा मैं हाइड करके रोक के दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये मैंने रोक के जो है ना दोबारा से शेयर कर दी। हाँ भाई, बेटर, ये अब सही है। अच्छा, तो ये मेरे पास एक डिव आ गया जिसके अंदर एक पूरा मैट्रिक्स के इनपुट लिखने का मैंने सारा जुगाड़ वहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस डिव को करता हूँ एक डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट किया मैंने जैसे इसको और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको डुप्लीकेट किया तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास दो डिव बनी भी आ गई। दूसरे को मैं कहूँगा कि क्या अब आपका नाम है, आपका नाम है मैट्रिक्स टू, दूसरे को मैंने जाके बोल दिया आप मैट्रिक्स टू हो, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स वन मैट्रिक्स टू लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब इसी डिव को जाहिर है मैं डुप्लीकेट करूँगा रिजल्ट दिखाने के लिए, राइट, कॉपी किया मैंने, बट रिजल्ट मैं कहाँ दिखाऊँगा, फॉर्म से बाहर, फॉर्म से बाहर रिजल्ट दिखाऊँगा ना मैं, तो मैं इसको बाहर जाके पेस्ट करता हूँ, ये फॉर्म से बाहर है। और इनके जो तमाम इनपुट्स हैं, इस इनपुट को अब मैं क्या बना दूँगा, इस इनपुट को अब मुझे इनपुट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चलो बल्कि इनपुट रहने देते हैं इसको, ये भी सही है। अच्छा, इस पर CSS अप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है वो मैंने फॉर्म के अंदर करके लगाया हुआ था, इसलिए बाहर वालों पे ये CSS अप्लाई नहीं कर रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूँ रिज़ल्ट का फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो रिज़ल्ट वाला है ना, इसको मैं टेबल भी बना सकता हूँ, इसको मैं सिंपल डिव भी रख सकता हूँ, इसको मैं इनपुट भी रख सकता हूँ, इनपुट भी रख के छोड़ सकता हूँ मैं इसको इनपुट में, मगर ये होगा कि कोई बंदा भी आ गया ना एडिट कर रहा होगा यहाँ पे, एडिट करने का भी एक हल निकाल देते हैं इसका। मैं बोलता हूँ भाई ये जितने भी इनपुट है ना इन सबको डिसेबल कर दो, ठीक है। मैंने कहा डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड का मतलब है कि इसको यूज़र चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको आईडी के ज़रिए क्या करूँगा, चेंज करूँगा मैं, ठीक है, आईडी के ज़रिए मैं इसको चेंज करूँगा। ये सारे देखो डिसेबल हो गए, इसमें जस्ट रिज़ल्ट मेरा शो होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इस पर CSS भी लगा देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार इसको मुझे ना एक क्लास देनी पड़ेगी, क्लास रिज़ल्ट, ठीक है, क्योंकि फॉर्म तो मेरे पास एक ही था, डिव मेरे पास मल्टीपल हैं, डिव मेरे पास और भी हो सकते हैं इसमें, तो मैंने कहा कि क्लास रिज़ल्ट, वो वाली डिव जिस पर रिज़ल्ट का क्लास लगा हुआ और उसके अंदर जो इनपुट है ना उस पर मैं कोई CSS लगाना चाहता हूँ, ज़ाहिर है मुझे इसका साइज़ छोटा करना है, बहुत बड़ा साइज़ आ रहा है ये। मैंने कहा कि डॉट रिज़ल्ट, ठीक है, कि वो वाली आईडी जिस पर रिज़ल्ट लगा हुआ है उस पर आप क्या कर दो, ये कर दो आप, ठीक है, बॉर्डर लगा दो, मार्जिन लगा दो। अच्छा, पैडिंग नहीं चाहिए मुझे, मुझे इसका चाहिए विड्थ चाहिए ना, विड्थ चाहिए 30 pixel, ठीक है, ताकि वो सेम हो जाए, ऊपर वाले जैसा ही हो जाए। अरे ये क्या हुआ, अच्छा ये तो रिज़ल्ट के ऊपर मुझे बॉर्डर चाहिए था ना, रिज़ल्ट पे तो मुझे सिर्फ बॉर्डर चाहिए, अब फिर मुझे उसके बाद ना रिज़ल्ट के अंदर जो इनपुट्स हैं, इनपुट इनपुट है उस पे मुझे चाहिए ये पैडिंग और विड्थ, सही है। रिज़ल्ट वाले पे तो जस्ट मुझे बॉर्डर चाहिए, ठीक है, ये सेम ऊपर जैसा था ना वैसा ही नीचे भी बना हुआ आ गया, ठीक हो गया भाई। अच्छा, ये डिव भी दोनों ना आपस में काफ़ी ज़्यादा चिपके हुए हैं, ये जो तीन बॉर्डर बॉर्डर वाले डिव है ना ये भी बहुत चिपके हुए हैं आपस में, तो इनको भी ज़रा मुझे ना पैडिंग भी शायद देनी पड़ेगी।
ठीक है। पैडिंग मैंने कहा भाई 15 पिक्सल आप पैडिंग ले लो, ये 15 पिक्सल पैडिंग हो गई इसकी। और मैं कहता हूँ कि भाई आप ना मार्जिन भी ले लो 15 पिक्सल, ठीक है 15 पिक्सल मार्जिन हो गया। अच्छा मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स टू में भी मुझे ये काम करना है क्योंकि बहुत बुरे लग रहे हैं इस तरह ये। मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स टू में मैंने यहाँ पे काम करना है, मार्जिन 15 पिक्सल और पैडिंग 15 पिक्सल, ठीक है। रिफ़्रेश किया मैंने, ऊपर वालों पे भी ये काम हो गया। यार ये कुछ आगे पीछे क्यों हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ये। अच्छा ये 5 पिक्सल है ना, इसको भी 15 पिक्सल मार्जिन, 15 ही पिक्सल पैडिंग, ठीक है भाई। ये तीनों एक जैसे हो गए। अब मुझे करना क्या है, इन तीनों को साइड बाय साइड दिखाना है। ये तीनों जो अलग अलग दिख रहे हैं ना अभी, ये ऊपर से नीचे दिख रहे हैं, इसको मुझे साइड बाय साइड दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या हल निकालूंगा, इसके लिए मैं हल ये निकालूंगा कि इसको मैं फ्लैक्स बॉक्स का सहारा लूँगा। फ्लैक्स बॉक्स हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं यहाँ पर, तो फ्लैक्स बॉक्स का सहारा लेते हुए मैं इसको साइड बाई साइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा तो फ्लैक्स बॉक्स मुझे किसको बनाना पड़ेगा, फ्लैक्स बॉक्स अपने डायरेक्ट चाइल्ड पे असरअंदाज होता है, ठीक है। तो मुझे ये वाले को और ये वाले को साइड बाई साइड लाना है, राइट। तो मुझे फॉर्म को फ्लैक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फॉर्म को फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए मैं कोई ना कोई क्लास दे दूंगा इसको, क्योंकि फॉर्म कल को शायद ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि भाई मैट्रिक्स इनपुट, ठीक है, ये मैंने फॉर्म का एक नाम, इसको क्लास दे दी एक मैंने। रिजल्ट तो फॉर्म से बाहर है, वो नहीं बनेगा फिर। फॉर्म से बाहर वाले के लिए हम कुछ और जुगाड़ करेंगे ना, पहले इन दोनों का तो मसला हल करें। अच्छा ये यहाँ पे भी मैंने फॉर्म फॉर्म लिखा हुआ था ना डायरेक्ट, इसको भी मैं, क्योंकि अब क्लास दे दी है मैंने, तो इसको क्लास बता देता हूँ मैं, ठीक है, कि भाई मैट्रिक्स इनपुट एक क्लास है, उसकी बात हो रही है। अच्छा मैंने कहा कि भाई मैट्रिक्स इनपुट जो है ना, उसको आप क्या करो, उसको आप बोलो कि भाई आप क्या कर दो, फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए, और फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम चाहिए हमें, कॉलम चाहिए या रो चाहिए, एक मिनट सेंटर वेंटर को, रो चाहिए हमें एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा रो डिफ़ॉल्ट होती है, हम रो नहीं भी लगाएंगे ना, हाँ रो डिफ़ॉल्ट होती है, हम नहीं भी रो लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रो ले रहा होता है खुद ही ना, डिफ़ॉल्ट रो ही होता है। तो मुझे जस्ट इसको डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना है और ये साइड बाई साइड आ गया। अब मुझे तीसरे वाले को साइड बाई साइड लाना है, राइट। अच्छा अब ये तो तीसरा वाला जो है, इसको साइड बाई साइड लाने के लिए मुझे इन दोनों के पेरेंट का पता लगाना होगा, ठीक है। तो पहले तो आता हूँ मैं इस वाले पे, और ये मैं ज़रा अपने ना इंस्पेक्ट एलिमेंट में आके देखता हूँ कि इन दोनों का कॉमन पेरेंट कौन है, एक फॉर्म है और एक ये डिव है। इन दोनों का जो कॉमन पेरेंट है ना, वो इस वक्त बॉडी है, ठीक है। इन दोनों का फॉर्म और ये डिव, इन दोनों को मुझे साइड बाय साइड लाना है ना, इन दोनों का पेरेंट इस वक्त क्या है, बॉडी है। लेकिन मैं बॉडी को फ्लैक्स नहीं करूँगा, मैं एक डिव ऐड करूँगा बॉडी के बाद, ठीक है। और उस डिव को मैं इन दोनों का पेरेंट डिक्लेयर करूँगा ना, कैसे करूँगा भला, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई डिव, और इस पर मैं क्लास लगा देता हूँ, मेन करके एक क्लास लगा देता हूँ इस पर मैं ना, ठीक है। और तमाम चीज़ों को मैं इस डिव में पैक करूँगा, इस फॉर्म समेत, इससे को समेत, ठीक है। तो ये डिव जो है अब किसका पेरेंट हो चुका है, इस फॉर्म का और इसका कॉमन पेरेंट ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा इस एच वन को मेरा ख्याल है मैं बाहर निकाल देता हूँ इससे, वरना एच वन भी फिर ना साइड बाई साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिव को अगर मैं फ्लेक्सिबल बना दूंगा तो ये पूरा का पूरा फॉर्म और ये पूरा का पूरा डिव, ये साइड बाय साइड आ जाएंगे, ठीक है। अभी भी वैसे सही है, इस सूरत में भी अगर इसको मैं छोड़ भी दूं तो ठीक है ये। वेल इसको बना देते हैं। बहरहाल मैं आया मेन, मैंने कहा मेन डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, ये तीनों साइड बाय साइड आ गए। अच्छा अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो क्या होता है, ये देख रहे हो, छोटा करने पे ना ये मसला कर रहे हैं। इसका क्या हल है, मुझे चाहिए कि जब छोटा करूं तो एक दूसरे के नीचे चले जाएं। जी हाँ, इसका हल है फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप, ठीक है रैप। अब अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दूसरा वाला नहीं आएगा अभी, दूसरे वाले पे फ्लैक्स रैप नहीं लगा, मैं उन दोनों पे भी फ्लैक्स रैप लगा देता हूँ साथ साथ, फ्लैक्स रैप और रैप, ठीक है। अब ये स्क्रीन जितनी भी छोटी होगी एक दूसरे के नीचे आते चले जाएंगे। अच्छा अब मुझे ना ये मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स टू के दरमियान में ना
मुझे दरमियान में दो बटन चाहिए, एक प्लस का और एक माइनस का, जिसके क्लिक होने पे मैं क्या करूँगा, ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँगा। तो इसके दरमियान में मुझे क्या चाहिए, एक अदद छोटा सा मैं डिव बनाऊँगा, सॉरी फॉर्म के अंदर होगा ना वो, फॉर्म के अंदर बटन होंगे ना दोनों, मैंने कहा बटन सम और एक बटन सब्ट्रैक्ट। देखते हैं ये बटन कहाँ डिस्प्ले होते हैं। अच्छा ये डिस्प्ले तो हो गया, लेकिन काफ़ी वाहियात से डिस्प्ले हुए हैं ये काफ़ी वाहियात से बटन डिस्प्ले हुए हैं। करते हैं कुछ इसका हल निकालते हैं। इसका हल ये है कि अगर मुझे इसको फ्लेक्स बॉक्स से आज़ाद करना है, तो मैं फॉर्म को फ्लेक्सिबल ना बनाऊं, बल्कि फॉर्म के अंदर मैं एक अदर डिव और सर बना रिजल्ट दूं। को नीचे ही आया है ना, नीचे ही सही हाँ, रिजल्ट का भी, बटन रिजल्ट का भी हल नीचे निकालते हैं नीचे हम नीचे लोग। आ जाएंगे, मैसेज बंद है स्कूल के नीचे, उसका बटन उधर, उसका बटन। मैंने क्या किया, बजाय पूरे फॉर्म को मैं वो करने के, फ्लेक्सिबल करने के, मैंने एक डिव बना के उसको फ्लेक्सिबल कर दिया है, ठीक है। और इन बटनों को मैंने क्या किया है, फ्लेक्सिबिलिटी से आज़ाद किया फ़िलहाल के लिए। अच्छा ये तो नीचे चला गया ना, ये नीचे चला गया, ये तो मसला हो गया। इसको ऐसा क्या किया जाए कि ये बटन सेट हो जाए बिल्कुल। मेरा ख्याल है इस बटन को सेट करने के लिए हमें इसको जो है ना, इन बटनों को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ हाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसकी विड्थ हाइट को कंट्रोल बल्कि नहीं करना पड़ेगा, इसको हमें फ्लेक्स के ना मज़ीद डेटा देना पड़ेगा कि आप हो जाओ सेंटर में। पहले तो फ्लेक्स वो क्या होता है सेंटर करने वाला, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं जस्टि हाँ जस्टिफाई कंटेंट नहीं, लेकिन जस्टिफाई वाला कंटेंट वाला नहीं है, एक अलाइन आइटम्स का, अलाइन आइटम्स वाला, एक अलाइन आइटम्स वर्टिकल अलाइन होता है, एक वाला अलाइन आइटम्स होता है, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। हाँ ये लग गया, ठीक है, अलाइन आइटम्स, और एक होता है इसमें वर्टिकल अलाइन। खैर हमारा काम तो हो गया ना, ये अलाइन आइटम से हो गया हमारा काम। अच्छा वर्टिकल अलाइन भी ज़रा मैं अप्लाई करके देखता हूँ। नहीं अलाइन आइटम ही लगेगा इस पर। अच्छा अलाइन आइटम में भी मुख्तलिफ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, एक सेंटर है, बेस लाइन है, ठीक है, इसको आप जैसा मैं दिल करें वहाँ ले जा सकते हैं। फिर अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ है तो ये अलाइन आइटम जो है ना वर्टिकली ही सेंटर करता है, वर्टिकली सेंटर करता है, सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई अलाइन आइटम्स जो है ना, ये मैट्रिक्स इनपुट के ऊपर एक्चुअली मैं लगा रहा हूँ, राइट। ये अभी मैंने किस पे लगाया है, फॉर्म पे लगाया है, हाँ फॉर्म पे लगाया है ना, तो मैं यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स इनपुट था इस पे लगाऊँगा कि अलाइन आइटम्स सेंटर, तो इससे मेरा ये बटन सेंटर में हो गया। अच्छा मुझे थोड़ा सा इस बटन को जो है ना वो भी देना है, थोड़ा सा इस बटन को मैंने आपस में दूर दूर भी करना है। तो ये मैं काम कैसे करूँगा, ये मैं काम ऐसे करूँगा कि मैट्रिक्स इनपुट के अंदर ये बटन मौजूद है ना, तो मैं बोलूँगा मैट्रिक्स इनपुट के अंदर जो बटन है, जैसे ये मैंने बोला ना मैट्रिक्स इनपुट के अंदर जो डिव है, मैंने कहा डॉट मैट्रिक्स इनपुट के अंदर जो बटन है उस पर आप क्या कर दो, मार्जिन दे दो 15 पिक्सल, ठीक है, 15 पिक्सल थोड़े ज़्यादा हो गए, इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है, हमारा बिल्कुल आइडियल हो चुका है ये, सही है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है ये। अच्छा यहाँ से पहले अगर मैं एक बीआर लगा दूँ तो वो कैसा रहेगा, क्योंकि वो एक एक करके पीछे जा रहा है। अच्छा ये जो बटन एक एक करके नीचे जा रहा है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको एक एक करके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको दोनों को एक साथ जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा फिर, इसके लिए मुझे एक स्क्वायर, इसके लिए मुझे एक कंटेनर बनाना पड़ेगा पूरा चकोर ना, ठीक है, हाँ इसके लिए मुझे एक कंटेनर बनाना पड़ेगा इन दोनों बटनों को होल्ड करने के लिए। तो मैं एक डिव बनाऊँगा, ये डिव बनाने से क्या होगा कि असल में एक डिव, दो डिव और ये तीन डिव, ये तीनों डिव असल में साइड बाई साइड हो जाएंगे, ठीक है, तीनों डिव साइड बाई साइड हो जाएंगे। अब इस डिव के अंदर मुझे बटनों को कैसे सेंटर करना है वो भी देखना पड़ेगा। अब ठीक हो गया,
अच्छा मेरा वो मसला हल हो गया, ठीक है। बटन या तो दोनों साइड पे हैं या तो दोनों नीचे जा रहे हैं, ठीक है। बटन या तो दोनों साइड पे हैं या तो दोनों नीचे जा रहे हैं, तो मेरा मसला ऑलमोस्ट हल हो गया। अच्छा मुझे इस पे बॉर्डर नहीं शो करवाना, अब ये भी एक मसला है। बॉर्डर मैं कैसे हटवाऊँ इसका भाई, बॉर्डर कैसे हटवाऊँ मैं? दो पे मुझे बॉर्डर चाहिए, तीसरे पे मुझे नहीं चाहिए। नन करोगे सर? हाँ तीसरे वाले को मुझे नन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा सिलेक्टर लगाऊँ मैं कि ये तीसरा डिव मेरे सिलेक्शन में? हाँ कौन सा सिलेक्टर लगाऊँ मैं मैट्रिक्स इनपुट के अंदर कि मुझे तीसरा डिव ये मुझे मिल जाए? डिसेंडेंट लगा लें। डिसेंडेंट में तो सब आ जाएंगे ना, बताता हूँ मैं तीसरा वाला कैसे। लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड होता है? लास्ट चाइल्ड देखते हैं होता है या नहीं होता। होता है सर। मैट्रिक्स इनपुट इसको आईडी दे के कैच कर ले। अच्छा ये वाला है ना जिसपे मैंने ये ब्लैक लगाया हुआ है, तो इसी के नीचे फिर मुझे ये बात लगानी होगी कि ब्लैक हटाओ किस पे से, ठीक है। मैंने इसको बोला कि लास्ट चाइल्ड, हाँ यार होता है लास्ट चाइल्ड, सही है। लास्ट चाइल्ड के ऊपर मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि बॉर्डर क्या कर दो, ज़ीरो पिक्सल कर दो। ज़ीरो पिक्सल करने से बॉर्डर गायब हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट चाइल्ड के ऊपर मैंने ये हटा दिया, क्या बात है, सही बताया भाई बिल्कुल आपने, लास्ट चाइल्ड। थैंक यू सर। इसको मैं ना टॉप पे ले जाऊँ यहाँ, ठीक है। मैट्रिक्स इनपुट और उसके अंदर के सिलेक्शन सिलेक्शन वाले सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं, और ठीक है। ये हमने CSS तैयार कर ली काफ़ी अच्छी सी, ठीक हो गया भाई। अच्छा अब मुझे ये देखना है कि इसमें से मैं डेटा उठाऊंगा कैसे, ठीक है, और उस डेटा को मैं प्रोसेस कैसे करूंगा। देखो डेटा उठाने के ना दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका इन्होंने जो डिस्कवर किया हमारे दोस्त ने, अफजाल गालबन नाम है इनका, नेम के ज़रिए, ठीक है, नेम के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है वो। अच्छा दूसरा ये कि जैसे देखो मैंने आईडी दी हुई है ना इसको, इस आईडी के ज़रिए भी मैं कर सकता हूँ, इस आईडी के ज़रिए लूप चला के भी मैं इसकी वैल्यू उसको उठा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने क्या उसको बोला हुआ है कि एम वन, यानी मैट्रिक्स इनपुट वन की बात हो रही है, वन का ज़ीरो 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 वन ज़ीरो टू, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे क्या बोलूँगा, वन ज़ीरो, ठीक है, वन वन, उसके बाद वन टू, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एम वन के बाद मैंने कहा टू ज़ीरो टू वन और टू टू, बिल्कुल यही सीक्वेंस है हमारा। अच्छा तीसरे में आके भी मैं यही कर दूंगा, बिल्कुल तीसरे में आके मैं ये कैसे करूंगा भला, तीसरे में आके भी मैं एग्जैक्टली यही काम कर दूंगा, लेकिन उसमें अब मैं क्या लिखूंगा, एम वन की जगह एम टू लिखूंगा, ठीक है। अब जहां जहां एम वन लिखा हुआ है ना वहां वहां एम टू कर दूंगा मैं। मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स इनपुट टू का ज़ीरो ज़ीरो, मैट्रिक्स इनपुट टू का वन वन, मैट्रिक्स इनपुट टू का ज़ीरो टू, ठीक है। इस तरह मैंने इसको आईडीज़ दे दी हैं। अच्छा फिर रिज़ल्ट वाले में भी मैं सेम यही काम कर दूंगा, रिज़ल्ट वाले में भी सेम मैंने यही काम करना है। अच्छा ये मैं कंट्रोल डी से मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, सारा ये पेस्ट किया मैंने, और इसमें मैं एम वन की जगह अब आर लिख दूंगा, ठीक है। यानी कि रिज़ल्ट का 00, रिज़ल्ट का 01, रिज़ल्ट का 02, ये मैंने इसमें किया हुआ है, ठीक है। अच्छा यही काम हम नेम के ज़रिए भी कर सकते हैं, राइट, यही काम हम कैसे कर सकते हैं, नेम के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इसको नेम भी कुछ ना कुछ हम दे देते हैं, ताकि दोनों तरीके से हम करके देख लें, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया कि ये क्या है, एम वन है ये, मैट्रिक्स इनपुट वन है ये, ठीक है, कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप नाम दे सकते हैं। अच्छा इसी तरीके से मैंने इस वाले को क्या बोल दिया कि आप क्या हो भाई, आपका नेम है M2 है, आपका नेम मैट्रिक्स इनपुट 2 हो आप, इट्स 9 o'clock, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया कि भाई आप क्या हो, ठीक है, इसको मैंने बोला कि एम आर हो आप, ठीक है, यानी मैट्रिक रिजल्ट हो आप, ठीक है। कोई भी ऐसे नाम आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का।
तो नेम के जरिए भी गेट कर सकते हैं और इस आईडी के जरिए भी लूप चला के उठा सकते हैं, दोनों तरीके देखते हैं हम कि कैसे होता है। अच्छा अगर क्लास के जरिए उठानी हो हमने वैल्यू, हाँ क्लास नेम के जरिए भी उठा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं और भी। ठीक है, अभी मैंने दो सबमिट के बटन लगाए हैं, दोनों पे टाइप सबमिट लगा दिया मैंने। अब इसमें से असल में ये तरीका रेकमेंडेड नहीं है वैसे, लेकिन ये आप कर सकते हैं अगर चाहें। टाइप देना ज़रूरी होती है क्या? टाइप सबमिट देना ज़रूरी है ना, वरना उसके क्लिक पे उसको पता नहीं चलेगा कि ये सबमिट का बटन है। सही है, टाइप सबमिट मैंने दिए और बटन मैंने बनाया दो। अच्छा आमतौर पर ना इस तरह दो बटन नहीं बनाते, इस तरह के केसेस में होता क्या है कि आप ना आपके पास ना ये दो बटन नहीं होते, बल्कि आपके पास होता है रेडियो बटन, कि रेडियो बटन को आप या तो सम पे कर देते हैं या तो सबट्रैक्ट पे कर देते हैं और फिर सबमिट का बटन दबाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि दो बटन होने चाहिए। सही है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ये, तो उसका जुगाड़ ये तरीका उस पर काम करेगा। ठीक है, दोनों के क्लिक पे एक ही फंक्शन चलेगा, दोनों के क्लिक पे क्या चलेगा, ये जो प्रोसेस करके मैंने दिया हुआ है ना फंक्शन, प्रोसेस मैट्रिक्स फंक्शन, यही चलेगा। लेकिन फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, फंक्शन के अंदर मैं इस चीज़ को गेट करूँगा कि जिस बटन पर क्लिक हुआ है ना उसका नाम क्या था, उसके ऊपर लिखा हुआ क्या था, तो उसके ऊपर मैं इफ़ लगा के क्या करूँगा, अपना काम कर लूँगा। ठीक है, अब मैं आया भाई, मैं आया, सबसे पहले मैंने कहा फंक्शन और मैंने नाम पेस्ट किया फंक्शन का। ठीक है, मैंने कहा इवेंट, अच्छा ये जो इवेंट लिया है ना मैंने, वो बटन का नाम देखने के लिए लिया है। मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, और उस पूरे इवेंट को ज़रा मैं कॉन्सोल कराता हूँ कि वो मुझे चीज़ वो बटन का नाम ना मिलता कहाँ है, ताकि मैं देख लूँ, क्योंकि वो भूल जाता है बंदा ना। अच्छा यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, फिर ये इवेंट आपको ना यहाँ पे भी देना होता है, जब वहाँ आप इवेंट लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी इवेंट आपको देना होता है। कीवर्ड है सर ई, यही फिक्स रहेगा? नहीं, वो कोई भी नाम हो सकता है आपकी मर्ज़ी का, अभी वो असल में देख भी लेते हैं। एक जगह पे फिक्स होता है, एक जगह पे आपकी मर्ज़ी होती है, मेरे ख्याल है ऊपर शायद फिक्स होता है, ऊपर के टाइम साइड पर ना फिक्स होता है वो। रेफरेंस ई इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 61। So, यहाँ पे ना इवेंट होता है शायद, फिक्स होता है यहाँ पे। हाँ ये ऊपर वाले पे ना फिक्स होता है इवेंट, और नीचे आपकी मर्जी होती है कि आप कोई भी नाम लिख दें। इस जगह पे ना आप ई लिख दें, सही है, या इवेंट पूरा लिख दें, एक ही बात है। अच्छा तो ये मैंने कॉन्सोल करवा लिया, अब देखें आप इवेंट के ऊपर क्या मिलता है मुझे, एक तो ये मिलता है कि टाइप क्या हुई है, टाइप हुई है सबमिट। ठीक है, अच्छा और सबमिटर कौन है, बटन है, बटन के क्लिक से सबमिट हुआ है, एंटर से भी सबमिट हो जाता है समटाइम। अच्छा उसके अलावा इसके अंदर ना उस पूरे बटन की, ये देख रहे हैं आप सबमिटर, सबमिटर के अंदर ना इस बटन का नाम भी कहीं ना कहीं आपको मिल रहा होगा। इवेंट डॉट टारगेट के अंदर मिल रहा होगा मे बी, कहीं ना कहीं आपको, बहरहाल इस पूरे के अंदर ना कहीं वो नाम आपको मिल रहा होता है, अभी दिख जाएगा कहीं ना कहीं, ढूंढेंगे ना थोड़ा सा। सम या सबट्रैक्ट, अभी मैंने सम पे क्लिक किया भाई, दबे टाइप सबमिट टाइम स्टैम्प इस ट्रस्टेड बबल 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 पाथ एसआरसी एलिमेंट सबमिटर, यार सबमिटर में ही होगा, सबमिटर बटन बता रहा है ना ये, डॉट नेम करके यहाँ पे आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ये रहा सम, यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, इसके अलावा भी एक जगह पे और भी होना चाहिए, चिल्ड्रन नहीं है। ये रहा इनर HTML, सही है, तो ये हमें कहाँ पे मिला है, ये हमें मिला है सबमिटर डॉट इनर HTML और इनर टेक्स्ट दोनों पे आ रहा है, सबमिटर के अंदर जाके, ठीक है, इनर HTML और इनर टेक्स्ट, ये दोनों चीज़ें मुझे मिल रही हैं कि जिस बटन पे क्लिक हुआ है उसका इनर HTML क्या है। तो मैं इसको यहाँ से ज़रा कॉन्सोल पे प्रिंट करवा देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, इवेंट डॉट सबमिटर डॉट इनर टेक्स्ट, इवेंट डॉट सबमिटर डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, ये इनर टेक्स्ट हो गया। तो जब मैं आप सम पे क्लिक करूँगा तो सम आना चाहिए लिखा हुआ, जब मैं सबट्रैक्ट पे लिखूँ तो सबट्रैक्ट आना चाहिए, देखो
सम पे क्लिक किया तो सम आ रहा है, सब्ट्रैक्ट पे किया तो सब्ट्रैक्ट आ रहा है। तो अब मैं इस पे आसानी से इफ़ लगा सकता हूँ ना छोटा सा, कि भाई इफ़ अगर ये ऐसा हो तो कुछ और करो, वैसा हो तो कुछ और करो। ठीक है, मैंने कॉपी किया इसको, मैंने कहा इफ़ इक्वल्स इक्वल्स सम। ठीक है, अच्छा सम का जो एस है ना वो कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन में स्मॉल होगा कैपिटल होगा समटाइम आगे पीछे हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉट टू लोअर केस लगा लूँगा इस पर। ठीक है, कि जो कुछ भी है भाई उसको लोअर केस बना दो पहले आप। टू लोअर केस की स्पेलिंग गलत लिखी है। अच्छा एल और सी का कैपिटल, एल बड़ा होगा शायद, सही है ये टू। यानी मैंने कहा कि इनर टेक्स्ट के अंदर ना जो कुछ भी मिल रहा है उसको टू लोअर केस बना के ना फिर आप इससे कॉम्पेयर मारो। सही है, छोटा मैंने कर दिया क्योंकि सम बटन है ना, कभी आप एस कैपिटल भी लिख देते हो बटन पे, कभी स्मॉल भी लिख देते हो। तो जस्ट टू मेक श्योर आपने ये कर दिया, एल्स में आपने ये करवा दिया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ये पार्ट बुक में कहाँ मिलेगा, इसका कोई चैप्टर है? ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। हाँ, इवेंट जो है ना वो बुक में एक जगह पे मौजूद है, इवेंट के तकरीबन इसमें 10 के करीब चैप्टर हैं। हम ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है जावास्क्रिप्ट में, ये रहा इवेंट्स। ठीक है, अच्छा ये हम कवर नहीं करेंगे क्लास में, बस जितना आप अभी कर लिया ना कवर बस इतना ही करेंगे हम। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा इवेंट्स ना। ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर भी जो हम लगा रहे होते हैं ना, असल में वो भी इवेंट होता है ना, जो हम लगाते हैं ना ऑन क्लिक ऑन सबमिट, ये सारे इवेंट्स हैं। तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे जितना हमने पढ़ लिया। अच्छा जी, तो हमने अब क्या किया, यहाँ पे इफ़ लगा लिया और यहाँ पे एल्स लगा लिया। अच्छा ये तो उस सूरत में होगा ना जब प्रोसेस करने की बारी आई है, अभी तो मैंने अभी तक इनपुट भी नहीं उठाया। तो मुझे सबसे पहला काम तो ये करना है कि वहाँ से जो इनपुट है ना वो उठा के लाना है मुझे। तो मैंने कहा मैट्रिक्स इनपुट वन इक्वल्स टू एन एम्प्टी एरे, लेट मैट्रिक्स इनपुट टू इज इक्वल टू एन एम्प्टी एरे। अब ये दो मेरे पास एम्प्टी एरे आ चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, फॉर्म से इनपुट ला के मुझे इस इनपुट के अंदर रखवाना है। सर माइक ऑफ करवा दें, यार माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़, मैं कर देता हूँ बोल के। यार माइक ऑफ नहीं हुआ। अच्छा ये दो मेरे पास मैट्रिक्स, दो मेरे पास एम्प्टी एरे है, मैंने क्या करना है, ये तमाम जो इनपुट बॉक्सेस है ना यहाँ से डेटा ला के क्या करना है और इन इनपुट बॉक्सेस के अंदर इन एरेज के अंदर डलवाना है मुझे। ठीक हो गया। अच्छा अब मेरे पास इसके दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका ये है कि मैं फॉर लूप चलाऊँगा, कितनी दफ़ा चलाऊँगा मैं, 3x3 लेट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई जब तक छोटा रहे 3 से, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ये मैंने 0 से लेके 3 तक एक फॉर लूप चला दिया, राइट। अच्छा फिर इसके अंदर जाहिर है नेस्टेड लूप मुझे चाहिए, एक और लूप चला दिया इसके अंदर मैंने। ठीक है, यहाँ पे मुझे अब मिलेगा जे, अब मैं कॉन्सोल डॉट लॉग करके ना ज़रा आई कॉमा जे को ना प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब हम देखते हैं ये आई कॉमा जे में ना हमें एग्जैक्टली यही पैटर्न मिलेगा, हमें एग्जैक्टली क्या पैटर्न मिलेगा, 00 01 02, ठीक है, फिर 10 11 12, मुझे एग्जैक्टली यही पैटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर इंडेक्सेस मुझे इसी तरह से मिलने चाहिए। चला के देखते हैं इसको। ठीक है, देखो इसी तरह से मिले हैं बिल्कुल, लास्ट मेरे पास 2 2 तक आ रहा है। ठीक है, मेरे पास इनपुट बॉक्स जो है उसमें भी लास्ट में 2 2 तक है। अच्छा तो अगर मैं ये करूँ मैं कहूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर मैंने कहा कि हैश लगा दो एक, और हैश लगा के क्या करो, एम वन ऐसे लिखो आप, एम वन, और उसके बाद क्या लिखो आप, आई और जे लिख दो M1 के बाद। तो मैं M1 के बाद लिखता हूँ I और यहाँ पे लिखता हूँ J। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या बनेगा, ये पूरा
इसको भी कॉन्सोल करवा लेते हैं कि एग्जैक्टली बनेगा क्या, ठीक है। ये कॉन्सोल पे मैंने लिख दिया, इसको ज़रा चला के देखते हैं कि क्या बनता है। देखो ये एग्जैक्टली वही बन गया, M100, M101, M102, M110, सही है। सही है ये रहा M100, M101, M102, यही बन गया पूरा। अब मैं इसमें से उठाना शुरू करता हूँ। सर ये थोड़ा समझ नहीं आया, मैंने ना डायनेमिक आईडी दी है, ये क्वेरी सेलेक्टर से जो मैंने गेट किया है ना, गेट करते हुए मैंने पहले तो ये होता था ना, मैं ऐसे लिख देता था M100 ऐसे हार्ड कोडेड, लेकिन इस दफ़ा मैंने डायनेमिक दिया है। ये स्ट्रिंग है, देखो इसको मैं दो लाइनों में कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए ये क्या हुआ होगा। ये एक स्ट्रिंग है, लूप चलता जाएगा और वो उस पे नंबरिंग आती जाएगी और वो आईडी उठाता जाएगा, आईडी उठाता जाएगा, और आईडी उठा के रखेगा कहाँ, इस मैट्रिक्स के एरे के अंदर रखेगा। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। अच्छा अब हम करेंगे क्या, अब हम बोलेंगे उसको कि भाई डॉट वैल्यू भी उठाओ इसमें से, ठीक है ना। डॉट वैल्यू भी मैंने उठवा ली इसमें से, ज़ाहिर है मुझे पूरा एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, असल में उस एलिमेंट की वैल्यू मुझे दरकार है। अच्छा और मैंने कहा कि भाई आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैट्रिक्स इनपुट वन, ठीक है। मैट्रिक्स इनपुट वन का इंडेक्स कौन सा, आई और जे, ज़ाहिर है जिस सीक्वेंस में मैं उठा रहा हूँ ना उसी सीक्वेंस में मुझे रखवाना है उसको। ये ज़रा एक लाइन में वापस कर देता हूँ मैं ताकि ये समझ में आए वापस ना। अच्छा देखो मैंने कहा मैट्रिक्स इनपुट के किस में चले जाओ आप, आई जे इंडेक्स में चले जाओ। आई जे का मतलब क्या है, 0 0, सही है। अभी फ़िलहाल 0 0 है, पहली दफ़ा चलेगा, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, फिर 0 0 3 तो खैर नहीं जाएगा, 0 2 तक जाएगा वो, सॉरी 3 तक, 0 2 तक जाएगा वो ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा I1 हो जाएगा, फिर I1 होगा तो फिर क्या होगा, 1 0 1 1 1 2, सही है। फिर I2 हो जाएगा, फिर 2 0 2 1 और 2 2, तो ऐसे करके ना मुझे एग्जैक्टली उसी फॉर्म में मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये फॉर लूप जब चल के कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाना चाहिए, मैट्रिक्स इनपुट वन के अंदर जो है वो पूरा मैट्रिक्स मुझे मिल जाना चाहिए। मैट्रिक्स इनपुट वन को मैंने यहाँ पे कॉन्सोल करा दिया ये लूप चलने के बाद, तो जब ये लूप चल के ख़त्म होगा तो मैट्रिक्स इनपुट वन में मुझे 3x3 का एक नेस्टेड एरे मुझे मिल जाना चाहिए। चल आगे देखते हैं इसमें, यानी ऊपर वाला लूप जब एक दफ़ा चलता है तो वो नीचे वाले लूप को 3 दफ़ा चलाता है। हाँ ठीक है, मैंने कुछ इसमें वैल्यूज़ लिख दी हैं और ये मैट्रिक्स वन में कुछ वैल्यूज़ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब ये ज़ाहिर चले तो कुछ नज़र भी आए। अच्छा ये क्या कहा इसने, ओह अच्छा वो असल में हुआ ये कि ये सिंगल एरे है ना तो उसके ये डबल एरे वाला इंडेक्स इसका एक्सेस नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर है मुझे छोटा सा यहाँ पे एक इफ़ लगाना पड़ेगा जो हमने पहले भी लास्ट क्लास में भी हमने लगा कर देखा था। एक छोटा सा मुझे इफ़ लगाना पड़ेगा कि इफ़ जो मैट्रिक्स इनपुट का जो आई है ना अगर वो नहीं हो, नॉट हो, तो क्या करो आप, मैट्रिक्स इनपुट का जो आई है इक्वल्स टू करवा दो MTR, ठीक है। ये छोटा सा एक चेक मुझे लगाना पड़ेगा अदरवाइज ये एरर देता रहेगा मुझे, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मैट्रिक्स इनपुट इस वक्त एक सिंगल एरे है, अब सिंगल एरे का मैं 0 इंडेक्स उठाता हूँ तो मुझे अनडिफाइंड मिलता है, और उस एक का फिर मजीद 0 इंडेक्स उठाता हूँ तो मुझे फिर एरर दे देता है वो। रिफ्रेश अगर हम डबल स्क्वायर बॉक्सेस लगा देंगे तो उससे मल्टी डायमेंशनल नहीं बन जाएगा ये, यहाँ पे हम पहले से ही इसको ऐसे दे देना कॉमा कॉमा, अगर पहले से ही दे देंगे तो फिर मसला नहीं होगा ये, लेकिन ज़ाहिर है हमें थोड़ा डायनेमिक करना होता है, हमेशा हमें पता नहीं होता कि कितना आ जाएगा आगे से ना डेटा, अभी तो हमें पता है ना 3x3 है, लेकिन सम टाइम हमें पता नहीं होता, तो इसलिए आपको तरीका मैंने बता दिया है कि इस तरह करने से क्या होगा, वो डायनेमिकली उसको चेक करता रहेगा, अगर नल होगा तो एमटी एरे करवा के फिर उसके अंदर चीज़ रखवाएगा वो। अच्छा ये लाइन 149 को कमेंट कर दें, ये पर्पस जो इसका है ताकि ऊपर याद रहेगा। अच्छा लाइन 149 पे ये वाला, यस सर,
ठीक है, ये नल चेक है असल में, ठीक है, इस तरीके को हम कहते हैं नल चेक। ये नल चेक ना सिर्फ एरे में बल्कि बहुत सारी और दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। कभी भी डेटाबेस से कोई वैल्यू आती है ना, ठीक है, डेटाबेस से जब कोई वैल्यू आती है तो उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको नल चेक करते हैं कि कहीं वो नल तो नहीं आ गया, जो चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं आया गया, वो डेटा में है भी मौजूद या नहीं है। अच्छा, तो मैंने ये लिख दिया इसमें डेटा, सम का बटन दबाया, तो आप देखें जब चलने के बाद ना मुझे 3x3 का मैट्रिक्स एज इट इज़ उसी तरह मिला है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक हो गया, ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। सही है, बिल्कुल समझ में आ गया सब लोगों को ये। अच्छा, यही काम जो मैंने मैट्रिक्स इनपुट 1 के साथ किया है, मैं मैट्रिक्स इनपुट 2 के साथ भी कर लेता हूँ। मैट्रिक्स इनपुट 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया M2। ठीक है, तो मेरे पास मैट्रिक्स इनपुट 1 और मैट्रिक्स इनपुट 2 मुझे दोनों मिल गए ऐसा करने से। सही है ना, ये जो मैंने लिखा है ये लाइन समझ में आई ना सबको, ये क्या हुआ है। जो मैं मैट्रिक्स 1 से उठा रहा था ना डेटा जिस इंडेक्स से, सेम उसी इंडेक्स से मैंने मैट्रिक्स 2 से भी उठवा लिया एक ही लूप के अंदर। मैं कर सकता हूँ ये काम, बिल्कुल ईजिली कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे नल चेक फिर मैट्रिक्स इनपुट 2 पे भी लगाना पड़ेगा, 2 पे भी मुझे लगाना पड़ेगा, मैट्रिक्स इनपुट 2 पे भी नल चेक लगेगा। जाहिर है उसके साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं अब, तो उसको भी नल चेक देना होगा मुझे। नल चेक आई पे ही लगेगा, जे पे नहीं लगेगा? नहीं, जे पे भी लगा सकते हैं एंड एंड करके आप, लेकिन सिर्फ आई पे लगाने से हमारा मसला हल है। यार ये मैट्रिक्स इनपुट है, हाईलाइट होके क्यों आ गया यहाँ पे, ज़रा समझ में नहीं आई है मेरे पास, ये हाईलाइट ख़त्म नहीं हो रहा इसका। ये क्या हुआ है, ऐसे बिला वजह हाईलाइट हुआ है। रीलोड विंडो करता हूँ, जरा कीबोर्ड से कोई की तो नहीं दबी रह गई? नहीं, मैंने रीलोड किया तो वो गायब हो गया। खैर, अच्छा भाई, किसी ने कुछ मैसेज किया है, जड़िंग करके आवाज़ आई है। सर, और जे क्यों लगाया है स्पेसिफिक? यार नेस्टेड लूप जब हम लिखते हैं ना, नेस्टेड लूप जब हम लिखते हैं तो बाहर वाला जो लूप होता है वो ज़ाहिर आई से शुरू करते हैं, आई फॉर इंडेक्स। लेकिन ज़ाहिर है जब हम मज़ीद एक लूप लगाते हैं ना, तो अब आई के नाम से हम दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते, आई के नाम से ज़ाहिर एक ही वेरिएबल बनेगा, तो फिर आई के बाद जे ले लेते हैं, ठीक है, फिर जे के बाद के ले लेते हैं, फिर ऐसे हम आगे चलाते रहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा वैल्यू होती है एक्स, ठीक है, तो फिर अब एक्स के अलावा तो फिर वो वाई पे चले जाते हैं, फिर वो जेड पे चले जाते हैं, ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये 3 वेरिएबल्स होते हैं जो कॉमन वेरिएबल्स हैं। उसके अलावा वो बहुत सारे उन्होंने फिर दूसरे भी बनाए हुए हैं, अगर तीनों ख़त्म हो जाए तो आमतौर पर हमें 2 या 3 डायमेंशन से ज़्यादा की लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो आई जे के उसमें कन्वेंशन है। लोग ऐसा करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने आपस में ऐसे डिसाइड किया हुआ कि यार हम इस तरह किया करेंगे, ठीक है, आप कुछ और भी लिखें इसमें, जे की जगह कोई और वेरिएबल भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी का नाम होता है ये तो। अच्छा, तो मेरे पास ये इनपुट ना उठ कर आ गया है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया इनपुट लेने का मेरा, इस तरीके को मैं कर देता हूँ कमेंट। अब दूसरा जो तरीका था ना हमारे पास नेम वाला, वो नेम वाला तरीका ये था कि मेरे पास जो है ना क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम, ठीक है, और गेट एलिमेंट बाई नेम जब मैं करता हूँ उसमें लिखता हूँ मैं M1, तो मुझे एक एरे मिल जाता है जिसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। ये M1 के नाम से जितने भी थे ना, ये M1 के नाम से मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेरे पास मौजूद है M1 के नाम से, ठीक है, 9 आइटम्स मौजूद हैं मेरे पास, तो मुझे ये 9 आइटम पूरे के पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा कॉन्सोल भी करा लेता हूँ, कि देखता हूँ पूरे के पूरे 9 आइटम मुझे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। सम का बटन प्रेस किया मैंने, तो ये देखो पूरे के पूरे ना 9 आइटम्स मुझे मिल गए। लेकिन 9 आइटम मुझे मिले किस तरह से हैं, मुझे मिले हैं पूरे पूरे एलिमेंट्स, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार डॉट वैल्यू, तो इसकी मुझे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, सेम चीज़ की मैंने बोला कि मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। बड़े ये क्या हुआ? अच्छा, ऐसे में डॉट वैल्यू नहीं लगा सकता ना, वो ज़ाहिर है मुझे एरे मिला है वो, तो
तो मुझे एरे, मुझे वो एरे मिला है असल में ना, तो मुझे इस पे ज़ाहिर है आइटरेट करना पड़ेगा, लूप लगाना होगा। हाँ, मैंने कहा कि ऑल इनपुट्स ऑफ एम एम वन, ठीक है, मैंने ये वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर रखवा दिया मैंने इसको। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मुझे लूप लगाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, ये क्योंकि एरे है तो इसमें मैं मैप लगा सकता हूँ ना, मैंने कहा कि डॉट मैप, ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल होता है वहाँ पे मैं मैप लगाता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि ईच, जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच का लूप नहीं होता क्या? फॉर ईच का भी होता है लेकिन मैप ज़्यादा बेहतर है, फॉर ईच में भी कुछ एक दो इशूज़ हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि कॉन्सोल डॉट लॉग ईच आइटम डॉट वैल्यू, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्या हो गया, इस पे मैप क्यों नहीं चल रहा भाई? जहाँ ये मेथड मैंने देखा था वहाँ पर जहाँ नेम दिया हुआ है ना उसके साथ ही वैल्यू में एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया हुआ था हर एक को, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, उससे तो कोई इशू नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग सही होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। अच्छा, ये कंसोल पे एरे भी शो कर रहा है, इसकी लेंथ भी शो कर रहा है 9, लेकिन इसके ऊपर ये मैप क्यों नहीं चला रहा यार, इसकी और मैप नहीं चला रहा। वेल तो हम फिर फॉर लूप चला के उसको एक्सेस करते हैं अलग अलग, मैप इस पे जो है ना अवेलेबल नहीं है, फॉर लूप चलाना पड़ेगा हमें इसके ऊपर अब, ठीक है। मैंने कहा लेट आई, और मैंने कहा आई को कितनी दफ़ा चलाओ, ये जो जो भी एलिमेंट्स मिले ना उसकी लेंथ जितनी है उतनी दफ़ा चलाओ, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई ये इंडेक्स आई डॉट वैल्यू, वैल्यू होगा या इनर टेक्स्ट होगा, वैल्यू ही होगा आई थिंक। हाँ, ये मुझे सारी वैल्यूज मिल गई इसकी। अब लेकिन इन वैल्यूज के साथ एक प्रॉब्लम है, ये वैल्यू मुझे मिली है स्ट्रेट बिल्कुल, अब मुझे ये चाहिए नेस्टेड एरे के अंदर, ठीक है। नेस्टेड एरे के अंदर मुझे इसलिए चाहिए कि नेस्टेड एरे में अगर मुझे मिल जाता है तो मेरे लिए सम करना इसको आसान होगा, ठीक है। नेस्टेड एरे में अगर ये मुझे मिलता है तो उस सूरत में मेरे लिए इसको सम करना आसान होगा, ठीक है। तो मैंने जो शुरू से सेटिंग बनाई है वो मैंने इस तरह से बनाई है, क्योंकि रिजल्ट को भी मैंने ना आईडी दी हुई है, इस तरह से दी हुई है कि उसमें रिजल्ट को प्रिंट कराना मेरे लिए आसान है, मैंने इस तरह से आईडी दी हुई है इसको, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं स्ट्रेट इसको रखता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं नेम से डेटा गेट कर भी लेता हूँ, देखो डेटा मेरे पास नेम से भी गेट हो रहा है, लेकिन मुझे इस नेम के ज़रिए ना अगर डेटा वापस रखवाना है तो उसका मेरे पास कोई तरीका नहीं है। उसका तरीका मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं बोलूँगा नेम पे ये जाके रख दो तो ये इनमें से किस पे रखेगा, ये तो इतने सारे हैं, तो मुझे अल्टीमेटली आईडी पे ही मूव करना पड़ेगा कि हर एलिमेंट का एक अलग आईडी होगी, रिज़ल्ट उसके ज़रिए मैं रखवाऊँगा वहाँ पे जाके, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से मुझे वैल्यू तो मिल रही है लेकिन ये तरीका मेरे लिए वायबल नहीं है फ़िलहाल, इसमें मुझे मज़ीद कोड लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे और एक्स्ट्रा कोड इसके अंदर लिखना पड़ेगा, सही है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको लूप चला के उसकी वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते इसे? नहीं, वैल्यू तो हम असाइन कर लेंगे। नहीं, मैं बताता हूँ अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने M2 से उठा लिया, ये मैंने M2 उठा लिया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे M2 की भी वैल्यू को गेट कर लिया, सही है, ये भी मैंने कर लिया, यहीं पे मैंने रिज़ल्ट भी बना लिया। रिज़ल्ट को मैंने फ़िलहाल क्या रखवा दिया, एम्प्टी एरे रखवा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आगे बोला कि भाई रिज़ल्ट का जो इंडेक्स आई है ना, इन दोनों को प्लस भी मार दो। अच्छा, पार्स इंट नहीं करना, मैंने इसको
नंबर में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा रिजल्ट क्या आई मैं उसको प्लस करके भी रखवा दो, लेकिन मसला ये अब मैं इस रिजल्ट को वापस कैसे रखवाऊंगा। ये रिजल्ट मेरे पास आया ना, जो रिजल्ट मेरे पास जो आया इसको कॉन्सोल डॉट लॉग करना है ना मुझे रिजल्ट को। रिजल्ट को मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग करवा दिया, ये रिजल्ट मेरे पास कैलकुलेट हो चुका है असल में ना मैट्रिक्स का, लेकिन मसला ये उसको मैं वापस कैसे रखवाऊंगा उसके अंदर। सही है, ये रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, पहले में 4, 2 और 2, 4, सेकंड वाले में 4 और 1, 5, थर्ड वाले में 2 और 4, 6, तो ये इस तरह ये पूरा रिजल्ट मेरे पास जनरेट हो चुका है, लेकिन ये स्ट्रेट है बिल्कुल, सीधा है बिल्कुल ये लाइन ना, ठीक है। अच्छा मेरे पास इसको रिजल्ट रखवाने का भी एक आइडिया आ गया, पूछो क्या वाला। अगर मैं रिजल्ट मैं ये कर दूँ, हाँ रिजल्ट रखवा भी सकते हैं यार, आइडिया आ गया मुझे, रिजल्ट सब पे वापस लूप चलाना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई एम आर अगर हो जाए, हाँ नहीं इसी लूप में ही हो जाएगा ये भी। अभी मुझे आइडिया आ गया, मुझे आइडिया आ गया, रिजल्ट आई डॉट वैल्यू, चलो भाई हो गया काम ये। अच्छा ये देखो हुआ क्या, ये जो रिजल्ट है ना इसके अंदर मैंने क्या किया, एम आर के नाम से जितने भी थे ना वो सारे सीधे सीधे उठा के रख लिए, तो एम आर के नाम से मेरे पास देखो क्या है, ये रिजल्ट के अंदर ना इसको मैंने एम आर नाम दिया हुआ है। ज़ाहिर है एम आर के नाम से मेरे पास 9 खाने आए होंगे, और ज़ाहिर है उसी सीक्वेंस में आए होंगे जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है, तो जिस सीक्वेंस में उठाया था उसी सीक्वेंस में अगर मैं रखवाऊंगा तो ये 9 रिजल्ट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा तो ये जो रिजल्ट है इसके अंदर क्या चीज़ है, 9 एलिमेंट्स मौजूद हैं इस एरे के अंदर। मैंने कहा भाई रिजल्ट का जो पहला एलिमेंट है 0 एलिमेंट, उसकी वैल्यू क्या रखवा दो, इन दोनों को प्लस करके रखवा दो, फिर दूसरे एलिमेंट में इन दोनों को प्लस करके रखवा दो, तीसरे एलिमेंट में भी इन दोनों को प्लस करके रखवा दो, देखते हैं अभी ये होता है नहीं होता। ठीक है, और ये मैंने सम का बटन दबा दिया, ये प्लस हो के आ गया, ठीक हो गया भाई, ये दोनों प्लस हो के आ गया, 6 और 2, 8, 3 और 1, 4, 2 और 2, 4, 1 और 1, 2, ठीक है ये एक तरीका हो गया। तो इस तरीके को मैं कह देता हूँ मेथड वन, राइट, ये मेथड वन है हमारा। ये मेथड वन हो गया हमारा, ठीक है। अभी मैं मेथड वन नहीं कर रहा, अभी मैं मेथड टू करूँगा। ये मेथड वन हमारा हो गया, इसको मैं टॉप पे करवा देता हूँ कि भाई ये मेथड वन है। उसके बाद मैंने बोला कि भाई क्या है मेरा मेथड टू है, ये जो मैं आईडी के ज़रिए गेट करता हूँ ना वो मेरा मेथड टू है। ये मेथड वन पूरा हो गया, यहाँ पे प्लस वाला पूरा हो गया, एक्चुअली माइनस वाला नहीं हुआ, प्लस वाला हुआ ये, ठीक हो गया जी। अच्छा अगर मैं वो इफ एल्स मैंने लगाना है, वो इफ एल्स भी मैं यहाँ पे बल्कि लगा देता हूँ इस मेथड के अंदर ना। ये मेरा इफ एल्स है ना, ये मेरा इफ एल्स है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई आप जो है ना, ये रहा इफ एल्स मेरा, मैं कहता हूँ इफ अगर ये सम है ना तो आप प्लस करो, एल्स में क्या करो आप, एल्स इसके नीचे मैंने लगाया इधर, मैंने कहा एल्स में ना कोड पूरा यही होगा लेकिन उसके अंदर साइन जो है वो माइनस का होगा, ठीक है ये भी कर सकता हूँ मैं। सर पूरे पूरे कोड की जगह पे जो हाँ, रिजल्ट आई वाली वैल्यू है खाली स्पम करवा दे। जी जी बिल्कुल, पूरे कोड की जगह पे मैं ये कर सकता हूँ कि इस पूरे कोड की जगह पे मैं इसको भी जस्ट इफ की बॉडी में रख सकता हूँ। मैंने कहा इफ, कट किया मैंने यहाँ से इसको, मैं यहाँ पे भी आके ना इफ लगा सकता हूँ, इसको मुझे अनकमेंट करना पड़ेगा पहले तो। ये मैंने अनकमेंट किया, मैंने कहा इफ अगर क्या हो सम हो तो आप इसको रिजल्ट में प्लस करके डालो, और एल्स में क्या कर दो आप, ठीक है एल्स में यही वाली बात लिखो लेकिन माइनस करके डालो आप। अच्छा इफ एल्स के अंदर अगर सिंगल लाइन का कोड हो ना तो ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ये भी यहाँ पे मेंशन हो गई बात हमारी। ये जो एक लाइन का कोड अगर होता है ना इफ की बॉडी में तो ब्रैकेट लगाने की फिर हमें ज़रूरत नहीं होती, और एल्स में भी ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने कहा एल्स में इसको माइनस कर दो आप,
ठीक है, तो जब हम प्लस का बटन दबाएंगे तो ये प्लस होगा, जब माइनस का बटन दबाएंगे हम तो ये माइनस होगा। सही है, मेथड टू को ज़रा पूरा एक दफ़ा कमेंट करके ना, मेथड टू को कमेंट करके ज़रा मेथड वन को एक दफ़ा हम और प्लस माइनस दोनों करके देख लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ प्लस करके देखा था ना, फिर मेथड टू से यही काम हम दोबारा कर लेंगे। ये मेथड वन को मैंने पूरी तरह से ओपन कर लिया, ठीक है, मेथड वन यहाँ से शुरू है और ये बस यहाँ पर ही ख़त्म है। इसको प्लस और माइनस दोनों करके हम देख लेते हैं। रिफ्रेश रिफ्रेश, मैंने कहा भाई कुछ वैल्यूज़ दे दो इसके अंदर। ठीक है, मैंने सम का बटन दबाया तो ये सम हो गया, और अब मैं सब्ट्रैक्ट का बटन दबाऊंगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ। ठीक है, मैं दोबारा सम करूंगा तो सम, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट। सही है जी, समझ में आया सब लोगों को? ये मेथड वन ये था हमारा, जो कि हमने किसके ज़रिए किया था, नेम के ज़रिए किया था, गेट एलिमेंट बाई नेम के ज़रिए किया था। अब इसको हम यही सेम काम मेथड टू के ज़रिए करते हैं। मेथड टू में हमने क्या किया हुआ था, मेथड टू में हमने दो वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने आईडी के ज़रिए क्या कर लिया था, वो तमाम वैल्यूज़ उठा के इस पहले वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल में डाल दी थी मैंने। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब मुझे एक क्या चाहिए, लेट रिज़ल्ट भी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा रिज़ल्ट मैट्रिक्स, ठीक है, ये मुझे रिज़ल्ट मैट्रिक्स भी ज़ाहिर है चाहिए। और मैं इसी जगह पर आके जहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज़ उठाई हैं वहीं पे इसी लूप के अंदर अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर वैल्यू भी पॉपुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू पॉपुलेट कर देता हूँ। ठीक है, इस पे भी मैंने नल चेक लगाया और मैंने कहा कि क्या रखवा दो, रिज़ल्ट मैट्रिक्स का आई और जे जो है उसके अंदर क्या रखवा दो, इसको पहले वाले को, ठीक है, और प्लस और ये दूसरे वाले को, इन दोनों को प्लस करके रखवा दो इसमें। ठीक है, अच्छा, जाहिर है मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट भी करना होगा प्लस कराने से पहले, तो मैं ज़रा नंबर में कन्वर्ट भी इसको कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बावजूद इसके कि नंबर इनपुट हो लेकिन मुझे मिलता है स्ट्रिंग ये, तो वो अगर मैं नंबर में कन्वर्ट नहीं करूँगा इसको तो वो कॉन्कैडिनेट करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो, ठीक है, तो मैंने रिज़ल्ट यहीं पे इसका पॉपुलेट करवा दिया। ठीक है, रिज़ल्ट मैंने यहीं पे इसका पॉपुलेट करवा दिया। अच्छा, जब मैंने रिज़ल्ट पॉपुलेट करवा दिया, ठीक है, जब मैंने रिज़ल्ट क्या कर दिया, पॉपुलेट करवा दिया इस वेरिएबल के अंदर, तो मैं चाहूँ तो इसी लूप के अंदर क्या कर सकता हूँ, इसी लूप के अंदर अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पर रिज़ल्ट रखवा भी सकता हूँ। रिज़ल्ट रखवाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास आईडी मौजूद है ना, R20, R21, R22, ये देखो पैटर्न वही है, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 202, 122, ये वही पैटर्न है मेरे पास, तो इसी पैटर्न के ज़रिए मैं इसमें रखवा भी सकता हूँ डेटा। अब वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं ऐसे करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा जस्ट आर, ठीक है, यही किया ना मैंने, R00 ऐसे किया हुआ है मैंने, सॉरी कहाँ गया वो, सही है, R00, R01, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मुझे R चाहिए, उसके बाद 00, फिर अगली दफ़ा मैं 01, मैंने कहा डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या करवा दो, जो मैंने रिज़ल्ट अभी कैलकुलेट किया वो रखवा दो इसमें। ये मेरा मसला यहाँ पे भी हल हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात सब लोगों को? अच्छा, अब ज़रा इस कोड को मैं करता हूँ शॉर्ट। क्या मुझे इन दोनों वेरिएबल्स की ज़रूरत है, कौन बताएगा? नहीं, इन दोनों वेरिएबल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सोल भी हटा दिया मैंने। अच्छा, फिर मुझे इन दोनों नल चेक की भी ज़रूरत नहीं है, जब वो वेरिएबल ही हटा दिया मैंने तो इसको भी मैं हटा दूँगा। ठीक है, मुझे ये दोनों वेरिएबल भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो समझाने के लिए मैंने लिखा था कोड आपको, सर लिखे रहने दो, बस कमेंट कर दो। अच्छा, कमेंट कर देता हूँ, चलो ये भी सही है।
अच्छा मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों नल चेक की ज़रूरत नहीं है, और इन दोनों वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा असूलन मुझे रिज़ल्ट की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे असूलन, ठीक है मुझे असूलन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये पूरी लाइन डायरेक्ट इसके आगे लिख दूँ ना, यहाँ पे कॉपी किया मैंने और कॉपी करके यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये लाइन लिख दूँ, तो मुझे किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना, इस नल चेक की ज़रूरत है ना, इसकी ज़रूरत है मुझे, मुझे सिर्फ फॉर लूप के अंदर क्या चाहिए, सिर्फ एक लाइन का कोड चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक लाइन का मुझे कोड चाहिए। ये फॉर लूप के अंदर मैंने जस्ट एक लाइन का कोड लिखा है। अच्छा हमने जो मेथड वन किया था, मेथड वन में ना मुझे, मेथड वन में मुझे इनकी ज़रूरत है, होपफुली मुझे इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये वेरिएबल अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये इसमें कोड मुझे निस्बतन थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। इस वाले केस में मुझे जस्ट एक लाइन का कोड लिखना है। सॉरी मेमोरी कमेंट जो होता है वो मेमोरी में जगह लेता है? नहीं नहीं लेता, नहीं लेता, एज अ टेक्स्ट तो वो ज़ाहिर है फाइल में सेव होता है, जो फाइल आपकी सेव होती है उसमें एज अ टेक्स्ट जो जगह लेनी होती है वो लेता है, लेकिन प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो एज अ प्रोग्राम वो मेमोरी में उसको कोई जगह नहीं चाहिए होती है। अच्छा अभी मैंने इसमें सिर्फ सम लगाया है ना फिलहाल के लिए, ये सम हो गया, अभी सब्ट्रैक्ट भी करूँगा तो मैं सम ही हो रहा है, तो इसमें एक छोटा सा इफ़ जो मैंने ऊपर लगाया था ना वही मैंने इफ़ यहाँ पे भी लगा देना है कि भाई अगर ये जस्ट साइन चेंज होगा हमारा, ये जो बीच में प्लस है ना प्लस का साइन वो चेंज हो जाएगा हमारा, और वो मैंने कहा अगर तो सम हो ना ये तो आप क्या करो सम का रखो एल्स, एल्स में पूरी लाइन यही होगी लेकिन उसमें क्या होगा ये जो साइन है ना प्लस का इसकी जगह माइनस होगा, ये मेरा काम हो गया, माइनस भी इम्प्लीमेंट हो गया मेरे पास। ठीक है सम से ये सम हो गया, सब्ट्रैक्ट से ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी, अच्छा बन गया। इसमें किसी का कोई सवाल अभी तक हो तो प्लीज पूछ लें। दो दफा सम का बटन दबाएंगे तो क्या दो दफा सम होगा? वो जितनी दफा दबाएंगे होगा सम, लेकिन वो असल में आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वही वैल्यू दोबारा दोबारा आ रही होगी ना, तो पता नहीं चलेगा आपको स्क्रीन पे। अच्छा वो नहीं होगा कि दो है तो चार हो गया, चार है तो आठ हो गया, इस ये वाला सम नहीं, नहीं वो जब मैं बटन प्रेस करता हूँ ना तो हर क्लिक पे क्या करता है ये फ्रेश वैल्यू यहाँ से उठाता है, फ्रेश वैल्यू यहाँ से उठाता है और उसको यहाँ ला के डम करता है दोनों के सम को। तो मैं जितनी दफ़ा भी दबाऊं तो यहाँ से वो हर दफ़ा वैल्यू उठाता है, तो वैल्यू वही है तो आंसर वही है, वैल्यू चेंज होगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 6 कर देता हूँ तो अब मैं सम दबाऊंगा तो देखें ये वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट चेंज हुआ है, ठीक है। अभी अगर ऐसे दबाता रहूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वैल्यू चेंज करूँगा फिर दबाऊँगा तो देखें आप चेंज आ गया वैल्यू में, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में भी यही है, सब्ट्रैक्ट वैसे दबाता रहूँगा तो सेम रिजल्ट है, लेकिन किसी एक वैल्यू को मैं चेंज करूँगा अगर और सब्ट्रैक्ट दबाऊँगा तो देखें आप ये चेंज आ गया यहाँ पे, वैसे भले मैं जितनी दफ़ा भी दबाता रहूँ कुछ नहीं होगा। अच्छा अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो मैंने सोचा हुआ था। भाई सारे लोग इसको देख के ना एटलीस्ट अपने हाथ से बना लीजिएगा। अच्छा नोट करें आप इसके अंदर ना कोड इतना नहीं है, कोड कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ थोड़ी सी CSS लगी है और बहुत सारे इनपुट बॉक्सेस बने हैं, ठीक है। अच्छा चाहता तो मैं ये भी डायनामिक हो जाता लेकिन वो थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता, वो हम रिएक्ट में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वो रिएक्ट असल में बनी इसीलिए कि ये भी ज़्यादा ना लिखना पड़े, ये जो 9 लिखे हैं ना हमने इसके लिए भी एक लाइन लिखे हैं, 9 के 9 खुद बन के आ जाएं पीछे, वो रिएक्ट में ये एक चीज़ इन्होंने आसानी की है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ HTML ही है और CSS है, जावास्क्रिप्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन है सिर्फ, और एक फंक्शन के अंदर ना ये 2 से 4 लाइन का कोड है, ये एक नेस्टेड लूप चल रहा है इसके अंदर, कोई ज़्यादा कोड नहीं है इसका ना। तो इसको सब लोग अपने हाथ से एटलीस्ट देख के इसको बना ज़रूर लीजिएगा एक दफ़ा। अच्छा हमने आज क्या पढ़ना था, कहाँ गया वो हमारा कोर्स आउटलाइन, इसी में रखा था ना हमने, हाँ ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाँ ऑब्जेक्ट्स पढ़ने थे हमें, करेक्ट। यार ये पता नहीं खोल नहीं रहा है यहाँ पे यार इसको, चलो अलग से खोल लेते हैं। फेच API क्या होती है सर? REST API हम पढ़ेंगे तो फिर हम देख लेंगे। API फेच तो लाइब्रेरी होती है, API तो नहीं होती, वो फैच जो है ना वो लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर।
अच्छा, ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ रह गया था जावास्क्रिप्ट में, जो इंशाल्लाह आज हमें उसको कंप्लीट करके और जावास्क्रिप्ट हमने निपटानी है। अच्छा भाई, सेव इसको कर लेते हैं हम। और डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, अरे भाई ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट करना था ना इसको। क्या हो रहा है, ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट ऑल क्लिपबोर्ड पीएनजी डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट में गया है ये और पीएनजी फॉर्म में गया है, यहाँ शो नहीं हो रहा। बहरहाल रिप्लेस, चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे। ऑब्जेक्ट हमने पढ़ना था। जी सॉरी, क्या अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी एरे, ठीक है, ये हमने एरे पढ़ा था पहले। ऑब्जेक्ट भी जो है ना एक कलेक्टिव डेटा टाइप है एरे की तरह। एक तो होते थे ना नंबर, नंबर के अंदर क्या होता था, लेट माई नम इक्वल्स टू 5, तो एक वक्त में एक ही नंबर होता था इसके अंदर ना। एरे क्या था, कलेक्टिव डेटा टाइप था, यानी एक से ज़्यादा नंबर एक वक्त में सेव हो जाते थे। तो जो ऑब्जेक्ट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक कलेक्टिव डेटा टाइप है, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपके सामने बना देता हूँ ऑब्जेक्ट के, किस तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो होता है आमतौर पर। एक मैंने कहा कि स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, और इक्वल्स टू मैंने क्या कहा, नेम इक्वल्स टू जॉन, एज इक्वल्स 30, इज एडमिन ट्रू, कोर्सेज के अगेंस्ट एक मैंने एरे रखवा दिया, ठीक है, वाइफ नल, ठीक है, ठीक है, इज मैरिड फॉल्स, ठीक है, नल की जगह मैंने फॉल्स करवा दिया इसको, ठीक है जी। तो ये है एक अदद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हमने बनाना सीख लिया है, इसको कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा लेट, लेट एक वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल। अब इस वेरिएबल में मैं नंबर भी रखवा सकता था, एरे भी रखवा सकता था, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें क्या रखवा दिया है, ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट असल शुरू है वो कहाँ से है, वो इस करली ब्रैकेट से, बल्कि उसको मैं नई लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है, इस करली ब्रैकेट से ये ऑब्जेक्ट शुरू है और इस करली ब्रैकेट पे ये ख़त्म है, ठीक है। इसको वैसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिखा था पहले। तो इस करली ब्रैकेट से लेके ये जितनी चीज़ अभी सेलेक्ट हुई भी आपकी स्क्रीन पे, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग है, बूलियन है, नंबर है, एरे है, इसी तरह पाँचवीं डेटा टाइप हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको प्यार से जो है ना जेसन भी कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस से जेसन में डेटा आता और जाता है एजेक्स के थ्रू, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक तो नाम है इसका, दूसरा इसको प्यार से ना जेसन भी कहते हैं। जेसन क्या है, शॉर्ट है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन।
ठीक है, ये इसका नाम है, तो इसको प्यार से जेसन भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जेसन कहीं पे भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इतने पॉपुलर हैं कि दुनिया की तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसकी सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। और डेटाबेस में जो नो सीक्वल डेटाबेस है उसमें जो डेटा सेव होता है वो इसी फॉर्मेट में सेव हो रहा होता है, जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ है और इसको आप काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये अगर आप जावास्क्रिप्ट कल को छोड़ भी देंगे ना तो जेसन आपको नहीं छोड़ेगा, जेसन कहीं ना कहीं आपसे टकराता रहेगा, चाहे वो मोंगोडीबी की सूरत में हो, चाहे वो रेस्ट एपीआई की सूरत में हो, ठीक है, चाहे वो डेटा इंटरचेंज के सूरत में हो, बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर ना आपको ये मिलेगा। वेब डेवलपमेंट भी पूरी छोड़ देंगे ना, जब भी ये नहीं छोड़ेगा आपको, सॉफ्टवेयर की किसी ना किसी फील्ड में आप जब जाएंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ये टकरा जाएगा। सॉरी सर, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में और जेसन में थोड़ा फ़र्क नहीं है? असल में जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठ के बना रहे होते हैं ना तो बहुत सारा लेवरेज होता है इसके अंदर ना आपको, जैसे नेम को आप ना ऐसे कोटेशन में कर दें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, लेकिन जाहिर है जब आप यानी आप जब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कर रहे होते हैं ना तो वो बड़े स्ट्रिक्ट, वो कहते हैं नहीं भाई इसको ऐसे ही करो आप, फिर आपको सबको कोटेशन में करना होता है, सबको कोटेशन में रखना होता है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा रूल की स्ट्रिक्टनेस का फ़र्क है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप होते हैं तो ये रूल आपको ना इतने स्ट्रिक्ट नहीं मिलते, थोड़े से ढीले ढाले रूल होते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट स्मार्टली इसको ये समझ लेता है कि अच्छा ये की है, ये वैल्यू है, फिर ये की है, ये एक वैल्यू नंबर है, ये एक वैल्यू जो है वो बूलियन है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, वरना कोई ऐसा मेजर फ़र्क नहीं है। सर ये की क्या होती है जो आपने बताई है? हाँ, अब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं इसके। जैसे एरे के अंदर जो था हम सीक्वेंस के ऊपर बेस कर रहे होते थे, हम सीक्वेंस के ऊपर रिलाय कर रहे होते थे कि भाई नंबर वन पे जो पड़ा हुआ है वो कौन सा डेटा है, नंबर टू पे वो कौन सा नंबर, लेकिन इसके ऊपर हम सीक्वेंस पे नहीं चल रहे होते हैं, हमारे पास हर वैल्यू का एक नाम होता है। जैसे स्टूडेंट के ऊपर मैं डॉट नेम बोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, जॉन मिलेगा, करके देखते हैं इसको। मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, अच्छा मुझे इस नेम को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। तो ये नेम के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर एरे में करता तो मैं एरे में किस सूरत में कर रहा होता, मैं कहता कॉन्सोल डॉट लॉग माई क्या था, ए आर आर था ना सिर्फ, ओ मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया इसलिए, मैंने कहा ए आर आर और इंडेक्स ज़ीरो, ठीक है, मैं ऐसे कह रहा था ना ए आर आर का इंडेक्स ज़ीरो। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट नेम लगाऊँगा, नाम से वैल्यू को कॉल करूँगा। अब डिपेंड नहीं करता कि ये नेम को मैं नीचे कर दूँ यहाँ पे या ऊपर कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, नेम मुझे मिलेगा। अगर नेम इस ऑब्जेक्ट के अंदर हुआ ना कहीं पे भी तो मुझे नेम मिलेगा, चाहे वो ऊपर हो या चाहे नीचे हो, ठीक है। नेम देखो ऊपर था, मैंने नीचे कर दिया तो भी मिलेगा। चला के देखते हैं इसको हम, कॉपी पाथ लाइन नंबर 32 पे मैंने इसको प्रिंट करवाया हुआ, ठीक है। देखो लाइन नंबर 32 से जो प्रिंट आया है वो जॉन मेरे पास प्रिंट आ गया। लाइन नंबर 32 से जॉन आ गया। अच्छा, जॉन को अब मैं क्या कर देता हूँ, टॉप पे कर देता हूँ तो भी मुझे मिलता रहेगा, ये कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। रिफ्रेश किया तभी भी मुझे जॉन मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना एरे के केस में क्या होता है, हम सीक्वेंस पर डिपेंडेंट होते हैं। अभी मैं जीरो इंडेक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ तो जीरो इंडेक्स पर टू है, लेकिन इमेजिन करो इस टू को मैं उठा के कहाँ कर दूँ, यहाँ से कट करके मैं इसको आगे के इंडेक्स पर ले जाता हूँ अगर, तो फिर क्या हो गया, अब जीरो पे मुझे कुछ और मिलेगा, जीरो पे मुझे फोर मिलेगा, पहले देखो टू मिलता था ना, अब मैं रिफ्रेश करूँगा अब मुझे फोर मिलेगा। तो सीक्वेंस पे हम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल एरे का अपना एक यूज़ केस है, एरे अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के आने से एरे का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। एरे का काम होता है फॉर लूप के साथ, यानी एरे का काम होता है आइट्रेट करवाना, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का काम होता है डेटा को कैरी करना। डेटा कभी भी डेटाबेस से जब आता है आपके पास नो सीक्वल, आमतौर पे मोंगोडीबी की अगर हम बात करें तो वो जेसन में ही आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने देख लिया इसको एक्सेस करना कि हम किस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी वैल्यू को हम एक्सेस कैसे करेंगे, वो हमने यहाँ पे देख लिया। ये सब लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, मुझे नेम के अलावा मुझे क्या करना है, इज एडमिन को एक्सेस करना है अगर, तो मैं क्या लिखूँगा, इज एडमिन, ओ ओ इज एडमिन, सबको साथ करना हो तो
सबको एक साथ करना हो तो सब लिख देंगे यहाँ पे लाइन से। मैंने कहा एक साथ नहीं हो सकता एक ही कंसोल के अंदर, एक ही कंसोल में अगर करना है तो पूरे स्टूडेंट को कंसोल कर देंगे हम, डॉट लगाएंगे ही नहीं इसके ऊपर फिर हम। ऑब्जेक्ट नेम लिख देंगे ना सर? हाँ ऑब्जेक्ट नेम सिर्फ स्टूडेंट लिख दिया तो पूरा प्रिंट हो जाएगा। एरे में भी ऐसे ही होता है कि एरे में अगर मैं जस्ट ARR लिख दूँ ना तो ये पूरा प्रिंट हो जाता है कंसोल के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जस्ट डिबगिंग पर्पसेस के लिए हम कर रहे होते हैं कि ARR लिख के पूरा कंसोल करवा दिया। आमतौर पर ना इसमें एक एक वैल्यू को ही ऑपरेशन किया जा रहा होता है, सब पे एक साथ नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में भी हम ये जो डायरेक्ट स्टूडेंट लिख रहे हैं ना पूरा प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पे, ये डिबगिंग पर्पसेस के लिए तो ठीक है, लेकिन ये आमतौर पे अलग अलग ही ऑपरेशन हो रहे होते हैं। वो भी हम आज इंशाल्लाह देख भी लेंगे उसको ना, आज ही हम इंशाल्लाह ये डिस्कवर कर लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश किया मैंने तो आप देखें मुझे जॉन मिल गया, मुझे ट्रू मिल गया, मुझे 30 मिल गया और मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी मिल गया जस्ट इन केस अगर मुझे पूरा देखना है तो, ठीक है। देखें इसमें तमाम चीज़ें हैं, आपको लाइन नंबर 35 से जो प्रिंट मेरे पास आ रहा है, लाइन नंबर 35 ये वाली है, इससे जो प्रिंट आ रहा है मेरे पास इसमें ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब कौन मुझे बताएगा कि मुझे इस CSS को अगर एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? डॉट डॉट करके क्या लगाऊंगा? स्टूडेंट डॉट कोर्सेज और ब्रैकेट में 1 आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लगा दिया मैंने, बिल्कुल सही बताया यार, क्या बात है बाबर भाई। अच्छा तो जब मैंने स्टूडेंट डॉट कोर्स किया, ये कोर्सेज किया, तो स्टूडेंट डॉट कोर्सेज के अगेंस्ट वैल्यू क्या मौजूद है? ये पूरा एक एरे मौजूद है, तो मुझे पूरा ये एरे मिल गया, ठीक है। इतना लिखने से मुझे अगेंस्ट वैल्यू क्या मिली? एरे मिली, तो उसके आगे मैंने लगा दिया 1 इंडेक्स, तो 1 से मुझे ये मिल गया, 0 लगाता तो ये मिल जाता, 2 लगाता तो ये मिल जाता, ठीक है। तो मैं तीनों वैल्यू को इस तरह करके भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने कहा 0 भी एक्सेस करना है मुझे, 1 भी एक्सेस करना है, 2 भी करना है, तीनों करना है मुझे एक्सेस, HTML CSS JS तीनों मुझे करना है ये वाले, ठीक है। ये देखो HTML CSS JS तीनों मुझे मिल गया। अच्छा आप ये कह रहे थे कि अगर मैं सिर्फ कोर्सेज लिखूँ 0 आगे ना लगाऊँ, ठीक है, तो स्क्रीन पे मुझे वो एरे प्रिंट करके दे देगा। लाइन नंबर 35 में इस वक्त जो चीज़ मौजूद है वो मुझे क्या प्रिंट करेगी? ये एरे प्रिंट करके दे देगी, ठीक है। लाइन नंबर 35 से जो प्रिंट आया मेरे पास उसने मुझे ये 3 इंडेक्सेस का पूरा एरे प्रिंट करके दे दिया। सर अगर एरे के लास्ट इंडेक्स पे भी एक ऑब्जेक्ट हो हमारे पास तो उसको कैसे गेट करेंगे? एरे के कॉमा डाल के लास्ट इंडेक्स पे एक और ऑब्जेक्ट हो ऐसे? जी सर। हाँ तो मैं इसको बोलूँगा कि यार इसका इंडेक्स क्या बनता है, 0, 1, 2, 3 बनता है ना इंडेक्स, तो मैं इसको बोलूँगा मुझे 3 इंडेक्स दे दो, ठीक है। 3 इंडेक्स से मुझे क्या मिल जाएगा? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फिलहाल इसमें कोई डेटा नहीं है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, पहले इतना चला के देखते हैं। एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सही है। देखो एम्प्टी ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 40 से जो प्रिंट आया मेरे पास उसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है। लाइन नंबर 40 कहाँ है? ये रहा लाइन नंबर 40, इससे मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसमें मैं मज़ीद कोई वैल्यू डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ नेम इक्वल्स टू, ठीक है, ABC, ठीक है, नेम इक्वल टू ABC कर दिया, तो अब मुझे क्या मिलेगा? ज़ाहिर है जो है वो मिलेगा, नेम इक्वल टू ABC मिलेगा। अब मुझे इस ABC को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा? डॉट नेम कर दूँगा, इस पर डॉट नेम कर दूँगा मैं, ठीक है। बहरहाल इतना ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, ये मैं जस्ट इनके सवाल का जवाब दे रहा था, ठीक है। ये ABC देखो मुझे मिल गया, ठीक है। अभी मैं कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं इसको वापस रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, बाकी लोग इग्नोर करें प्लीज़, ये मैं जस्ट इनके सवाल का जवाब दे रहा था ना, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हर हर वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है वो हमने देखा, ठीक है। कोर्सेज के अंदर एक एरिया था उसको कैसे से वो देखा हमने। अच्छा ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे बुक्स करके मैंने लिखा और बुक आएगा, बुक्स बुक करके डॉट नेम लिखूंगा तो हैरी पॉटर मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट डॉट बुक डॉट प्राइस करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्ट की हर हर वैल्यू को एक्सेस करना हमने सीख लिया फिलहाल। इसमें किसी का कोई सवाल? इसको एक्सेस करने से मुतालिक किसी का कोई सवाल? नो सर। ठीक है ये हमने एक्सेस करना है इसको सीख लिया। अच्छा इसकी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और इतने कोड को मैं क्या कर देता हूँ? कमेंट डाउन कर देता हूँ। अब हम इसको मॉडिफाई करना सीखेंगे,
ठीक है, यही वही ऑब्जेक्ट है जो ऊपर बना हुआ था, अब मैंने उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। सब में पहले अगर मुझे इसका नेम मॉडिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल्स टू मलिक, ठीक है, ये नेम मॉडिफाई हो गया। अच्छा, साथ साथ कंसोल भी करा लेता हूँ मैं पूरे ऑब्जेक्ट को कंसोल करा लेता हूँ इस बार, ताकि मुझे जो भी चीज़ चेंज हो मुझे दिखता रहे, ठीक है। स्टूडेंट, पूरे स्टूडेंट को मैंने कंसोल करा लिया। अच्छा, यहाँ भी पहले भी करा लेता हूँ, ठीक है, चेंज करने से पहले भी और चेंज करने के बाद भी, ठीक है। एक लाइन नंबर 63 पे ऑब्जेक्ट को बनाते ही कंसोल करा लिया, और फिर चेंज करने के बाद लाइन नंबर 67 में दोबारा से कंसोल करा लिया। इससे पहले मैं बिफोर आफ्टर भी लिख देता हूँ, सही है, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। नाम चेंज है, जाहिर है जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा तो इसमें नेम क्या आना चाहिए, जॉन आना चाहिए। यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा तो नेम में क्या आना चाहिए, मलिक आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने नेम को चेंज कर दिया। सेव किया, रिफ्रेश किया इसको मैंने, देखें बिफोर में नेम क्या था, जॉन था, बाद में नेम चेंज हो गया मलिक। अच्छा, एज भी चेंज करना हो अगर मुझे, मुझे एज अगर चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट एज इक्वल्स टू क्या रखूँ, 28 रख देता हूँ, ठीक है, एज भी चेंज हो गई, 28 हो गई। रिफ्रेश किया मैंने, देखो पहले एज था 30, बाद में एज आ गया 28। कौन मुझे बताएगा कि इस HTML की जगह मुझे अगर क्या रखवाना हो, HTML5 रखवाना हो, ठीक है, सिर्फ HTML मुझे नहीं चाहिए, मुझे HTML5, तो मैं टेक्स्ट एक नया टेक्स्ट रखवाना चाहता हूँ इसकी जगह, तो मैं कैसे लिखूँगा, स्टूडेंट डॉट में 0 आएगा, स्टूडेंट डॉट कोर्सेज, स्टूडेंट डॉट कोर्सेज का 0 इंडेक्स 0 का इंडेक्स 0 इक्वल्स टू HTML5, बिल्कुल सही यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मुझे इस JS को हटा के इसको ES6 करना हो तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ऐसे ही करूँगा, लेकिन इंडेक्स अब होगा 2, ठीक है, 0 1 2, मैंने कहा 2 में क्या कर दो आप, इसमें कर दो ES6 कर दो आप, ठीक है, देखते हैं इसको कि ये आया कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। कोर्सेज में आपने थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक की, हाँ कोर्सेज की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, अच्छा बिफोर में क्या था भाई, कोर्सेज में HTML5 CSS और ES6, और आफ्टर में क्या है, HTML5 CSS और ES6, ये कैसे हुआ, ES6 ही आ रहा है, ये कैसे हुआ, कौन मुझे बताएगा कि ये एरे पढ़ चुके हैं हम, एरे में हम टॉपिक डिस्कस भी कर चुके हैं, सर हमने उसी के अंदर एडिशन कर लिया, आप एक नया ऑब्जेक्ट बना के अगर कॉपी करते तो शायद ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये क्लोन हो रहा है शायद, ये क्लोन नहीं हो रहा है, ये बात है, ये क्लोन नहीं हो रहा है, पहले रख लिया उसी को कॉल कर रहा है, हाँ। अच्छा देखो, असल में होता क्या है, ये जो मैं एरे बनाते हैं ना इस तरह करके, तो ये मेमोरी में कहीं और बनता है ये, ठीक है, आके इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ पे मैं इसको कंसोल करवाता हूँ तो ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट कंसोल नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट बोलता है कि भाई फला जगह पे एक रखा हुआ है जावा, वो एक एरे, वहाँ से ला के उठा के प्रिंट करवा दो, ठीक है। और जब मैं इसको चेंज करके दोबारा करवाता हूँ ना, तो दोबारा वो वही बात कहता है, ठीक है। अच्छा, असल में जो ये प्रिंट होने वाला काम है ना, ये थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है, ये प्रिंट होने, जब हम प्रिंट की कमांड देते हैं उसके थोड़ी देर बाद होता है, तो असल में होता क्या है कि दोनों जगह पे जब तक चेंज हो चुका होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने देखा कि भाई अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एरे होगा, अच्छा ये वाइस वर्सा है, ये एरे के लिए भी बात ट्रू है, अगर एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है ना तो उसमें भी फिनोमेना यही होगा कि अगर आप उसको चेंज करेंगे ना तो वो चेंजेस सब में शो करेगा, वो अलग अलग नहीं करेगा उसको ना, वो चेंजेस क्या करेगा, सब में शो करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने स्टूडेंट डॉट कोर्सेज को जैसे चेंज किया है तो वो चेंजेस को सब जगह इम्प्लाई कर देगा, यानी जहाँ पे उसको प्रिंट किया होगा वहाँ पे भी इसको इम्प्लाई करेगा। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इम्प्लाई ना हो तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टूडेंट का क्लोन बना के उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, ताकि बाद में कोई भी चेंजेस करूँ तो वो इसमें इम्प्लाई ना रहे। अच्छा, तो हमने इसको एक्सेस करना और मॉडिफाई करना हमने इस पॉइंट पर सीख लिया।
अब हम एरे में तो स्प्रेड ऑपरेटर लग जाता था ना क्लोन के लिए, इस पे भी लग जाता है अब हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि इसको अब क्लोन कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको जरूरत पड़ती है क्लोन करने की हमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई क्लोनिंग ऑब्जेक्ट, अच्छा मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट पर्सन इक्वल्स टू नेम मलिक एज 28, ठीक है, इज एडमिन ट्रू, और कुछ एक दो इस तरह की चीज़ें लिख दी मैंने। अच्छा अब मैं क्या कर देता हूँ, लेट क्लोन इक्वल्स टू कॉमा हटा दे पर्सन। मैंने क्या किया, पर्सन जो था मेरे पास ऑब्जेक्ट उसको उठा के एज इट इज़ मैंने क्या डाला, कॉपी में डाला, कॉपी करके एक वेरिएबल बना दिया मैंने, या इसको मैं कह देता हूँ पर्सन कॉपी, के पर्सन की कॉपी में डाला। तो ये इस तरह से क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ, ये असल में एक ही रेफरेंस दोनों के अंदर आ गया। अब ऐसा करने से होगा क्या कि मैं कॉपी का अगर नाम चेंज करूँगा ना तो ओरिजिनल पर्सन में भी क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने पर्सन को प्रिंट करवाया और पर्सन की कॉपी को भी प्रिंट करवा दिया। अब आप नोट करेंगे कि पर्सन में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने कॉपी में चेंज किया था, तो ये ओरिजिनल पर्सन में भी चेंज आ जाएगा, नेम जो है उसका जॉन हो जाएगा। करके देखते हैं, ये एरर आएगा नहीं, नहीं दोनों में चेंज हो जाएगा ना, देखे ना दोनों में जॉन हो गया, इसमें भी लगा था ना कोर्सेज के बाद है किस में कॉमा ऊपर, अच्छा ये कॉमा ये इसकी खैर है, मसला नहीं है, ये ट्रेलिंग कॉमा कहलाता है ना, ट्रेलिंग कॉमा है, आखिर में आप एक कॉमा डाल दो, अच्छा ठीक है ओके। असल में ये कॉमा ना डिज़ाइन गाइडलाइन है, जावास्क्रिप्ट इस पे एरर भी नहीं देता, ये नहीं भी हो तो जावास्क्रिप्ट से, ये डिज़ाइन गाइडलाइन है जावास्क्रिप्ट की, कि आखिर में अगर ट्रेलिंग कॉमा होगा ना आपके पास तो आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आके आप कोई नई वैल्यू इसको देते हैं, ठीक है, तो ये एरर नहीं देता आपको, ठीक है, ये ले लिया इसने। अगर ये ट्रेलिंग कॉमा नहीं होता ना तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखूंगा तो मुझे ये एक दो मिनट के लिए मुझे सर दर्द देगा कि भाई एरर क्यों आ रहा है, फिर मैं बोलूँगा अरे यहाँ तो कॉमा नहीं लगा हुआ है, फिर मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा तो सेट हो जाएगा। तो ट्रेलिंग कॉमा जो है वो एरे के अंदर भी देना रेकमेंडेड है, ठीक है, एरे में भी लास्ट में ना ट्रेलिंग कॉमा होना चाहिए, ये डिज़ाइन गाइडलाइन है, और ऑब्जेक्ट में भी आखिर में कॉमा होना चाहिए एक्स्ट्रा जिसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा यार ये माइक ऑन हो गया है किसी का, मैं कर देता हूँ, अच्छा तो ये हो गया जी हमारा, कि अगर मैं जॉन इसका नेम चेंज करता हूँ ना, चाहे मैं कॉपी में करूँ चाहे मैं ओरिजिनल में करूँ, दोनों में चेंज आएगा। अच्छा मैंने कहा कि भैया अब ओरिजिनल में कुछ चेंज करके देखते हैं, ओरिजिनल में मैंने क्या चेंज किया, मैंने एज चेंज कर दी, मैंने कहा एज इक्वल टू 30, ठीक है, एक दफ़ा मैंने कॉपी में चेंज किया, एक दफ़ा मैंने ओरिजिनल में चेंज किया, लेकिन मैं चाहे दोनों में से किसी में भी करूँ चेंज दोनों में आएगा, चेंज जो है वो किस में आएगा, दोनों में आएगा, देखें दोनों में एज 30 हो गई, हालांकि मैंने चेंज सिर्फ एक में किया है, इसकी वजह से क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा लेट पर्सन कॉपी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। एक ये भी तरीका है लेकिन ये ES5 का तरीका है, हम ES6 देख लेते हैं ज़रा, ठीक है, ES6 का तरीका ये वाला है, ठीक है, ES6 का ये तरीका है, सबसे आसान है ये तरीका। आपको क्या करना होता है, बिल्कुल एरे की तरह काम करता है स्प्रेड ऑपरेटर, ऐसे आपने ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट क्लोज़ की और बीच में तीन डॉट लगा के आपने वो पूरा रखवा दिया। अब ऐसा करने से क्या होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग हो जाने चाहिए, ठीक है, आप देखें नाम एक में चेंज हुआ और एज एक में चेंज हुई, ठीक है, अलग अलग दोनों अब हैं, अब आपस में दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमने क्लोनिंग देख लिया। अच्छा क्लोन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एरे को क्लोन करने के कई तरीके हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। अच्छा तीन डॉट जो लगाए हैं, तीन डॉट ज़रूरी है ये? हाँ स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है ना, ये स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है ये। अच्छा एरे में जो एरे पढ़ाया था, हाँ, तो एरे में जैसे तीन वैल्यू होती थी तो उसको फिर हम डायरेक्ट जो है ना उसको चेंज कर देते थे उसका इंडेक्स नंबर देके। हाँ तो मतलब इसके अंदर इस तरह नहीं है ये, मतलब अगर उस एरे की हम कॉपी बनाते, हाँ, तो उसमें भी सेम ऐसे ही होता।
एरे को क्लोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एरे की कॉपी इसी तरह तो बनाई थी हमने, क्लोन इसी तरह, इसी को तो बोलते हैं क्लोन करना। देखें मैं दिखा देता हूँ ना वो कोड आपको, एरे क्लोनिंग बात करो, जब एरे पढ़े थे ना हमने, ये तो ना ऐसे ही तो क्लोन किया है हमने, ये देखें ना इसी की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ हाँ सही सही सही, ये सही सही, ये हमने क्लोनिंग का जो चैप्टर, अच्छा ये स्टैक ओवरफ्लो का मैंने लिंक भी लगाया है यहाँ पे, इन्होंने तमाम तरीके बताए हैं क्लोन करने के ना, ठीक है। अच्छा अब मेरा एक सवाल है, अब मेरा एक सवाल ये है कि जबकि मैंने इसको कर दिया है क्लोन, जबकि मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोन कर दिया है, अगर मैं इसके पर्सन डॉट कोर्स को मैं चेंज करूँ, ठीक है, पर्सन यानी ओरिजिनल वाले को मैं चेंज कर रहा हूँ, कोर्सेज और इसका इंडेक्स ज़ीरो, HTML हटा के HTML 5 लिख रहा हूँ, तो अब क्या चेंज एक में आना चाहिए या दोनों में आना चाहिए, हालांकि क्लोन कर चुका हूँ मैं उसको, एक में ही आना चाहिए दोनों में आएगा, लेकिन देखते हैं होता क्या है, एक में आता है या दो में आता है, दोनों में आ गया, सही है। मतलब ये कि एरे अभी भी कनेक्टेड है, एरे क्लोन, हाँ एरे जो है ना, एरे असल में इस ऑब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं है, ये कहीं अलग से सेव हुआ है मेमोरी में और वो इसके साथ एसोसिएट है, तो मैं भले क्लोन कर भी दूँ ना तो ये एरे सेम रहेगा, ये एरे अलग नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको करने के लिए एक देखो, ये एक तो हो गई क्लोनिंग, नॉर्मल क्लोनिंग है ये जो अभी मैंने की है, एक कहलाती है डीप क्लोनिंग। डीप क्लोनिंग में क्या होता है कि ये एरे को भी सेपरेट कर देता है, ठीक है। अब इसको मैं कह देता हूँ नॉर्मल क्लोनिंग, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं कह देता हूँ डीप क्लोनिंग, मैं अच्छा इस नॉर्मल क्लोनिंग को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसी को डुप्लीकेट भी कर देता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि भाई अब इसकी करनी है मैंने डीप क्लोनिंग। डीप क्लोनिंग में क्या करूँगा मैं, अब नम जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, मैं स्ट्रिंगीफाई करूँगा ओरिजिनल वाले को, ठीक है। स्ट्रिंगीफाई एक टेक्निक मतलब होती है, ब्रैकेट हटा देगा स्ट्रिंगीफाई से ना, हाँ स्ट्रिंगीफाई में क्या करेगा, ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को ना स्ट्रिंग की फॉर्म में ले आएगा, आमतौर पर जो डेटाबेसेस में जब जाता है ना ये नेटवर्क के जरिए, तो स्ट्रिंगीफाई होकर जा रहा होता है, ठीक है। और स्ट्रिंगीफाई करने के बाद इसको मैं दोबारा से जेसन में जब कन्वर्ट करूँगा ना, तो ये बिल्कुल एक अलग बनेगा, ये एरे वेरे सब इससे अलग हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, डीप, इसको डीप क्लोनिंग कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम एरे को एरे की क्लोनिंग नहीं कर सकते कि पहले एरे की क्लोनिंग कर ले इसी तरह और फिर हम उसको कॉपी बना ले, वो उस तरह भी होती है। डीप क्लोनिंग के भी 4 से 5 तरीके हैं, ठीक है, डीप क्लोनिंग के भी 4 से 5 तरीके हैं, ठीक है। जेसन डॉट पार्स मैंने दोबारा से कर लिया, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, डीप क्लोनिंग कर दी, ये मैंने कर दी नॉर्मल क्लोनिंग, और ये मैंने कर दी डीप क्लोनिंग। अच्छा ये अपना स्ट्रिंगीफाई और जो ये पार्स हुआ है इनको कंसोल करा लीजिएगा। अच्छा तो ये स्ट्रिंगीफाई का रिवर्स प्रोसेस है, जी जी पार्स, बिल्कुल पार्स अच्छा, है ना, हमने ना अभी तक इसको कॉपी करने के हमने 3 तरीके देखे हैं। एक तो हमने देखा पहला वाला, जिसमें क्या होता है वो रेफरेंस असल में कॉपी हो जाता है और दोनों बिल्कुल आपस में कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं होते, कोई भी चीज़ चेंज करेंगे दोनों में चेंज आता है। दूसरा हमने देखा नॉर्मल क्लोनिंग, नॉर्मल क्लोनिंग में क्या होता है कि रूट लेवल की जितनी चीज़ें हैं ना वो तो अलग हो जाती हैं, लेकिन अगर उसमें कोई कलेक्टिव डेटा टाइप अंदर अलग से है, या तो एरे है या तो इसके अंदर मजीद कोई ऑब्जेक्ट है, अगर बुक करके कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या होता है ये कलेक्टिव डेटा टाइप इसमें अलग नहीं होते, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो एरे हो, नॉर्मल क्लोनिंग में वो अलग नहीं होता, वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब इसके अपने यूज़ केसेस हैं ये बीच वाले के। फिर उसके बाद एक है डीप क्लोनिंग, डीप क्लोनिंग में क्या होता है कि इसके एसोसिएटेड नेस्टेड जितने भी इसमें है ना वो सब अलग हो जाते हैं, कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं रहता है। अच्छा अब आप नोट करेंगे कि जब मैं पर्सन डॉट कोर्सेज में जब चेंज करूँगा तो ये कॉपी में चेंज ये नहीं रिफ्लेक्ट होगा, ये ओरिजिनल में जो चेंज किया ओरिजिनल तक ही महदूद रहेगा ये, ठीक है। ये हम आ गए जी, ठीक है, HTML और HTML5 ये दोनों अलग अलग हो गए।
अच्छा ये बात ना एरे के लिए भी ट्रू है, एरे में हमने ये डीप क्लोनिंग का जिक्र नहीं किया था क्योंकि जाहिर है उस वक्त आपके लिए क्लोनिंग ही एक बड़ा टॉपिक था, लेकिन एरे में भी ऐसा ही है कि आप इमेजिन करें कि एरे में अगर कोई एसोसिएट यहाँ पे ना लास्ट में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो जब तक आप डीप क्लोनिंग नहीं करेंगे वो एरे अलग नहीं होगा, वो जुड़ा रहेगा साथ साथ। वेल अभी फ़िलहाल के लिए हमें असल में ऑब्जेक्ट में ना क्लोनिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, एरे में बहुत कम पड़ती है, तो इस वजह से मैंने ऑब्जेक्ट में ही आपको ये तीनों तरीके बता दिए। बहरहाल ये डीप क्लोनिंग जो है वो दोनों में मौजूद है, और अभी ज़रा ना डीप क्लोनिंग के और भी तरीके हैं। अब JS ऑब्जेक्ट सर बेहतर, तो फिर ये डीप क्लोनिंग तो फिर नॉर्मल क्लोनिंग को अभी तक जावास्क्रिप्ट ने ये सिक्स में भी रखा हुआ है, इसकी वजह क्या? अच्छा अब ये ना दोनों असल में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। असल में ये जो नॉर्मल क्लोनिंग है ना, ये मेमोरी और प्रोसेसर दोनों एफिशिएंसी है इसकी ना, और दूसरा ये कि नॉर्मल क्लोनिंग से क्या होता है, रेफरेंस टूट जाता है, रूट लेवल का रेफरेंस। अभी रिएक्ट जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें रेफरेंस आपको तोड़ना होता है, इसका एक क्लोनिंग का एक यानी स्लैंग में एक नाम रखा हुआ है हमारे बंदों ने कि रेफरेंस तोड़ना। तो ये नॉर्मल क्लोनिंग से ना रेफरेंस टूट जाता है, ये इसका बेनिफिट है। तो इसलिए अगर सिर्फ आप नॉर्मल क्लोनिंग भी कर दें तो काम आपके बहुत सारे इसमें भी हो जाते हैं। डीप क्लोनिंग की ज़रूरत हमें कम पेश आती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अच्छा इसने सवाल किया है कि व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डीप क्लोनिंग एन ऑब्जेक्ट, तो अब हम ज़रा देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को डीप क्लोन करने के ना लोगों ने क्या क्या तरीके बताए हैं। ये आप देख रहे हैं इतने सारे तरीके बताए हैं, ठीक है, हमने इसमें से ये वाला तरीका इस्तेमाल किया, ये पार्स और जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, हमने ये तरीका इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये सारे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके मज़ीद भी आंसर्स दिए हुए लोगों ने, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक तरीका बताया हुआ है इसने, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट वही वाला है जो हमने किया है। अब ये इसने काफ़ी डिटेल क्वेश्चन का आंसर किया है कि स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग सपोर्टेड इन नॉट जी एस, अब क्या क्या ऐसी चीज़ है जो नॉट जी एस में सपोर्टेड है, ठीक है। ये V8 इसने लाइब्रेरी इस्तेमाल की है इसको क्लोन करने के लिए, ठीक है। एसिंक्रोनस अगर करना है तो उसके लिए क्या वर्क अराउंड है इसका, देख रहे हैं काफ़ी लंबा इसने कोड लिखा है सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्लोन करने के लिए, यानी एक ऑब्जेक्ट का दो कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। एग्जांपल्स वगैरह बताई हुई हैं, सिंक्रोनस अराउंड बताया है कि सिंक्रोनस करना हो तो कैसे करें, एग्जांपल्स वगैरह दे के काफ़ी अच्छे से इसने समझाया है, ठीक है, काफ़ी बड़ा लंबा सारा इसने आंसर किया है। अच्छा नेटिव डीप क्लोनिंग एक किसी बंदे ने बताया है जिसको 5000 लोगों ने कहा है कि ये सही है, और जिसने सवाल पूछा था उसने भी कहा है कि भाई ये सही है तरीका, ठीक है। इसने भी कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है, लाइब्रेरी के ज़रिए इसको क्लोन करवाया इसने, ठीक है। अच्छा इसका ये ओल्ड आंसर है, जब शुरू में इसने आंसर दिया था तो वो आंसर को इसने कह दिया ओल्ड हो गया, वो कोई नया आंसर भी दे चुका है ये, ठीक है। ES6 करके ES6 में कह रहा है ये नया तरीका आपको आ चुका है, ये वाला इस्तेमाल करो आप, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके इसने ऐसे कर दिया, या स्प्रेड ऑपरेटर भी है, ठीक है, ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये वाला, बट ये स्प्रेड ऑपरेटर डीप क्लोनिंग नहीं करता है, ठीक है, शैलो क्लोनिंग करता है, ये शैलो कॉपी करता है, ठीक है, डीप क्लोनिंग नहीं करता। अच्छा ES6 में इसने डीप क्लोनिंग का तरीका नहीं बताया ना, अच्छा ये इसको ना नाम अच्छा हुआ जहन में आ गया, नॉर्मल क्लोनिंग नहीं होता, इसका नाम होता है शैलो क्लोनिंग, ठीक है, शैलो क्लोनिंग है ये, या नॉर्मल स्लैश शैलो बोल दो इसको आप, ठीक है। तो काफ़ी सारा लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इसको भी कॉपी करके मैं इसका स्टैक ओवरफ्लो भी यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, बल्कि ये स्टैक ओवरफ्लो मैं कहाँ लगाता हूँ, ये डीप क्लोनिंग जहाँ लिखा है ना मैंने उसके आगे लगा देता हूँ। अच्छा जी, तो हमने क्या सीख लिया, ऑब्जेक्ट को बनाना सीख लिया, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना सीख लिया, और ऑब्जेक्ट में एक एडिशनल टॉपिक एक क्लोनिंग का वो हमने टॉपिक देख लिया, और हमने तीन मुख्तलिफ तरीके देख लिए एक ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के, ठीक है। एक तो है रेफरेंस वाला नॉर्मल जो होता है, एक होता है शैलो क्लोनिंग, और एक होता है डीप क्लोनिंग। अच्छा इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो वो बता दे, अदरवाइज फिर सवाल है जी, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऊपर आपने बनाया है इसके अंदर कलेक्शन आपने दिए, हाँ एरे की कोर्सेज की कलेक्शन दिए, अगर कोर्सेज के नीचे बल्कि हाँ नहीं किया हुआ है आपने बुक में, सही है सही है, मैं यही पूछ रहा था, कोड याद नहीं था, हाँ ये वाला सही है, डीप क्लोनिंग से ये भी ये हाँ। इसमें भी चेंज आ गया, ठीक है, डीप क्लोनिंग से ये भी अलग हो जाएगा और एरे भी अलग हो जाएगा, जी जी, जी जी। अच्छा अब आपको देते हैं एक आधा असाइनमेंट, अच्छा सर जी,
हाँ स्ट्रिंगिफाई जो मैंने किया ना, ये देखें पर्सन करके क्या था, ये पर्सन के नाम से क्या था, एक अदद ऑब्जेक्ट था, ठीक है। जब मैं इसको बोलता हूँ ना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो क्या करेगा, इस पर्सन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग में हाँ, ये मैंने बाई डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना ये है। अच्छा ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है कि पर्सन के ऊपर डॉट लगाते हैं तो नेम मिलता है, पर्सन पे डॉट लगाते हैं तो एज मिलता है। वंस ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ना तो फिर ये डॉट लगा के कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। डॉट लगा के लेंथ मिलेगी, जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है ना कि कितने कैरेक्टर्स हैं वो मिलेगा, ठीक है। और फिर मैंने इसको स्ट्रिंग बनाने के बाद फिर लिखा जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स क्या लेता है, स्ट्रिंगिफाइड फॉर्म में एरे या ऑब्जेक्ट या कोई भी डेटा टाइप स्ट्रिंगिफाइड फॉर्म में वो होनी चाहिए, वो लेता है, ठीक है। और उसको वापस अपनी असली हालत में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा ये हमने कर दिया सेव। अच्छा अब जो हम इसका असाइनमेंट बनाएंगे ना, वो हम बनाएंगे एक वेदर ऐप छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी, जिससे हमारा ये ऑब्जेक्ट की जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये वेदर ऐप मैंने लिख दिया यहाँ पे, अच्छा वेदर ऐप के लिए जाहिर है हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक अदद हमें आपका वेदर का डेटा भी चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा वेदर के लिए जो है ना एक एपीआई हम लिखाते हैं, निकालते हैं कुछ, क्या था वो, फ्री वेदर, फ्री वेदर एपीआई ना, ये रहा वेदर एपीआई डॉट कॉम। ये वेदर एपीआई डॉट कॉम एक वेबसाइट है, इसमें आप सब लोगों ने क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। और ये सब अकाउंट बनाने के बाद ना स्क्रीन 10 रूसा सर क्या लगा है, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही नहीं है, मैं स्टॉप करके दोबारा से प्रेजेंट कर देता हूँ, मुझे नहीं पता आपने ये मैसेज कितनी देर पहले किया था। अच्छा खैर होपफुली अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा तो ये वेदर एपीआई डॉट कॉम है, ये आपको मैंने मैसेज में भी भेज दिया है इस क्लास के, ठीक है। कोई बंदा आप में से व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ ये। अच्छा यहाँ आपने जाके ना साइनअप करना है, ठीक है, यहाँ पे आप साइनअप करेंगे। अच्छा मेरा क्योंकि पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन कर लिया मैंने, रिमेंबर मी और लॉगिन का बटन दबा दिया मैंने। जैसे ही मैंने लॉगिन का बटन दबाया तो ये देखें मुझे क्या देता है, ये असल में फ्री वेदर एपीआई देता है, जिससे मैं किसी भी सिटी का नाम लिखूंगा और वेदर मैं वहाँ का गेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये एपीआई की है मेरी, एपीआई की को मैंने कॉपी कर लिया, सही है, एपीआई की को मैंने कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ओह ये क्या किया मैंने, कॉपी कॉपी कॉपी, अब हुआ ये वेदर, वो की मैंने कॉपी कर ली। अच्छा उसके बाद जाहिर है क्योंकि ये एक सर्वर है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, तो सर्वर को कॉल करने के लिए हमें एक अदद क्या चाहिए होगा, लाइब्रेरी चाहिए होगी, वो है एक्सियोस। ठीक है ये एक्सियोस मैंने ओपन किया, अभी इंशाल्लाह मजीद डिटेल में भी और पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इसको हम ऐसे ही देखें। ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, लाइब्रेरी है ये, और इसको मैंने कहाँ पर ऐड कर लिया, यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। क्योंकि स्क्रिप्ट को हम कहाँ पर ऐड करते हैं, बॉडी के अपने एंड में उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बॉडी के आखिर में। अच्छा शुरू में भी लगा दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, छोटी सी एप्लीकेशन में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, हेड में भी लगा दें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। बड़ी एप्लीकेशंस में ये होता है कि भाई चलो लोड होगी ना तो जल्दी लोड होनी चाहिए, तो आप इसको क्या करो आखिर में लगा दो। अगर फिलहाल मैं लाइब्रेरी को शुरू में भी लगा दूँ तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, थोड़ा सा स्लो लोड होगा पेज, लेकिन वो फ़र्क जो है ना वो ऐसा होगा कि वो नॉर्मल बंदे को पता नहीं चलेगा, इतना वो माइनर सा फ़र्क होगा। अच्छा तो ये मैंने लाइब्रेरी यहाँ पे लगा ली। अच्छा लाइब्रेरी को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मुझे कौन बताएगा, यही तो बताएंगे लाइब्रेरी वाले ख़ुद बताएंगे मुझे, ठीक है। लाइब्रेरी को इन्होंने बताया भाई ऐसे इस्तेमाल करो आप, ये तरीका है लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने का, कॉपी कर लिया मैंने इस तरीके को। स्क्रिप्ट का मैंने टैग लगाया, स्क्रिप्ट के टैग में ये लाइब्रेरी को मैंने कॉल कर दिया। अच्छा जाहिर है इस लाइब्रेरी को मैं कॉल कैसे करूँगा, मैं फंक्शन बनाऊँगा एक, फंक्शन गेट वेदर, ठीक है, ऐसे करके एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, और जाहिर है उस फंक्शन के अंदर मैं इस एपीआई को कॉल करूंगा,
ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या होनी चाहिए, एक अदद वेदर ऐप, ठीक है, वेदर ऐप मैंने हेडिंग डाल दी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक अदद फॉर्म चाहिए जिसमें मैं बोलूँगा भाई एंटर योर सिटी नेम, ठीक है, इनपुट, और इसकी आईडी मैंने लगा दी सिटी नेम, ठीक है, और मैंने इसको कह दिया कि भाई लेबल भी हो एक अदद। मैंने कहा सिटी नेम के लिए एक लेबल लगा दिया मैंने, और वो नेम क्या हो, एंटर योर एंटर सिटी नेम, राइट, ये मैंने लगा दिया। और इसके अंदर मुझे एक अदद फिर बटन भी चाहिए होगा, बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, गेट वेदर डेटा, ठीक है, बटन के ऊपर मैं टाइप क्या लगा दूंगा, सबमिट। ये वो काम है सारे जो हम पहले कर चुके हैं, सही है, ये काम सारे हम पहले क्या कर चुके हैं, हम देख चुके हैं करके। अच्छा, इसको मैं कोड को रन भी कर लेता हूँ कि अभी तक जो मैंने किया है वो आया कि सही हो गया कोड। ये मैंने क्या कर लिया कोड को, अरे ये API यहाँ क्यों आ रही है, इसको मैंने कट करके क्या कर दिया, यहाँ पे कमेंट में लगा दिया फिलहाल। अच्छा, तो अभी तक मेरे पास जो ऐप जो बनी है ना वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऐसे कराची लिखूँगा, और गेट वेदर डेटा का बटन जब मैं प्रेस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, मुझे वेदर का डेटा यहीं पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। अच्छा, मैंने ये सर्वर से API कॉल करने का तरीका भी क्या कर लिया, निकाल लिया ढूंढ के। अब मुझे ना क्या चाहिए, मुझे वो URL चाहिए जिसको मैं हिट करूँगा, मुझे वो API चाहिए जिसको मैं हिट करूँगा। मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ, और इनके मैं कहाँ चला जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट कहाँ है भाई, सर इसमें CRUD ऑपरेशन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने की ज़रूरत नहीं है बनाने नहीं नहीं के अभी लिए। फिलहाल CRUD वर्ड की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सही है। योर API की प्रोटोकॉल HTTPS JSON, अरे वो URL कहाँ चला गया, शो रिस्पॉन्स, हाँ ये मेरा वो URL है जिसको मुझे हिट करना है। ठीक है, ये मेरा वो URL है जिसको मैंने क्या करना है, हिट करना है। अच्छा, इस URL को मैं डालना था या नहीं डालना था, सॉरी डालना था वहां पर, क्या डालना था, वहां कुछ कंट्री भी लिखा हुआ आ रहा था। हाँ, ये लंदन लिखा हुआ आ रहा है ना, इस लंदन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे टेम्पलेट बनाऊंगा, और मैं लिखूंगा सिटी नेम। ठीक है, अच्छा सिटी नेम क्या चीज़ है, मैं बोलूँगा कि भाई लेट सिटी नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID सिटी नेम डॉट वैल्यू, सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इसमें मैं रिक्वायर्ड भी लगा दूँगा, ठीक है, कि जब तक सिटी नेम ना लिख दे बंदा ये सबमिट ना हो। मैंने कहा भाई सिटी नेम यहाँ से गेट करो और इस API के बीच में रख के उसको कॉल करो, ठीक है। अच्छा एक्जियोस डॉट गेट, अच्छा ये मुझे कौन बता रहा है एक्जियोस डॉट गेट, एक्जियोस ना एक लाइब्रेरी है जो किस काम आती है, इंटरनेट पे किसी भी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने के काम आती है। रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जाहिर है उसका रिस्पांस भी आएगा, रिस्पांस मेरे पास यहाँ पे कॉन्सोल में क्या हो गया, प्रिंट हो गया, रिस्पांस डॉट डेटा। अच्छा ये रिस्पांस पे ऊपर मैं डॉट डेटा लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये रिस्पांस क्या चीज़ है, ये रिस्पांस क्या चीज़ है जब डॉट करके डेटा में इसके ऊपर लग रहा है, जब मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा लेट वेदर डेटा इक्वल टू रिस्पांस डॉट डेटा, ठीक है, तो मैंने रिस्पांस डॉट डेटा को एक अलहदा वेरिएबल में कर लिया और इस वेरिएबल को मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवाने की कोशिश की। ठीक है, अभी स्क्रीन पे प्रिंट होता है तो हम देखते हैं कि ये किस तरह का डेटा हमें आ रहा होता है हमारे पास। अच्छा सेव हुआ वह है, ये हुआ वह है, रिफ्रेश किया, कराची लिखा, गेट वेदर डेटा का बटन दबाया, क्या हुआ, एरर तो नहीं आया। अच्छा वो पेज रिफ्रेश हो गया मेरा, पेज मेरा रिफ्रेश रोकने के लिए मैं, अच्छा ऑन सबमिट भी तो नहीं लगाया ना मैंने, ऑन सबमिट गेट, चल जा भाई, गेट वेदर डेटा, ठीक है,
और रिटर्न फॉल्स, जिससे मेरा पेज रिफ्रेश ना हो। ठीक है, ऑन सबमिट में लगाना ही भूल गया था इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक अदर डिव भी चाहिए जिसकी आईडी मैं क्या दूंगा, रिजल्ट। ठीक है, इसकी आईडी में रिजल्ट दूंगा। इस डिव के अंदर मैंने क्या करवाना है, अपना रिजल्ट प्रिंट करवाना है बाद में। एपीआई की जरूरत नहीं है, एपीआई की मैंने कहाँ किया, इसमें बीच में लगा दिया। सही है, एपीआई कॉल होगी, ये फंक्शन चलेगा जब बटन के सबमिट होने पे, क्लिक होने पे, सबमिट होने पे जब ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, सिटी नेम उठाएगा मेरे टेक्स्ट बॉक्स में से और एपीआई कॉल करेगा। क्या करेगा एपीआई कॉल, एपीआई की लगाएगा उसमें। अच्छा, एपीआई की आपको अपनी लगानी है, ठीक है, मेरा वाला लगाएंगे ना, अब ये एपीआई की ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, दो चार दफ़ा हिट होगी, ब्लॉक हो जाएगी फिर ये, क्योंकि फ्री वाली है, बहुत लिमिटेड होता है ये। और साथ में मैंने वो सिटी नेम भी डाल दिया क्यू के अंदर, क्वेरी के अंदर। ठीक है, वो सिटी नेम मैंने एंटर कर दिया। और ये पता नहीं एपीआई क्या चीज़ है, ये खुद ही इसने बना के दिया है, तो मैं इसको इसी तरह फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये एपीआई कॉल सक्सेसफुल हो गई तो इसके रिस्पांस में मुझे क्या मिलेगा, रिस्पांस का डेटा मिलेगा जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा हूँ। रिफ़्रेश किया मैंने, रिफ़्रेश करके कराची लिखा, सबमिट का बटन दबाया, तो ये आप नोट कीजिए मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये एक अदद ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट ऐसा ही होता है बिल्कुल। अब इसमें देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक नॉर्मल वेदर ऐप में क्या क्या आता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं ना। ओहो, वेदर डॉट कॉम नहीं, चलो वेदर डॉट कॉम ही सही। देखो एक नॉर्मल वेदर ऐप में क्या क्या आता है, इस वक्त क्या टेम्परेचर है, सिटी का नाम क्या पकड़ रहा है, ये पिक कर रहा है, इस वक्त उस सिटी में टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड अभी है, और कंडीशन क्या है, क्लाउडी है, मोस्टली क्लाउडी। मिनिमम और मैक्सिमम भी बता रहा है कि आज के दिन का जो मैक्सिमम रहा है ना वो 28 रहा है, और मिनिमम रहा है 24। ठीक है, 24 से नीचे नहीं गया पूरे दिन में, और 28 से ऊपर नहीं गया पूरे दिन में। ठीक है, इस तरह का कुछ डेटा ये मुझे बता रहा है। अच्छा, उसके अलावा मैं जस्ट अगर वेदर लिखूँ तो गूगल का मुझे वेदर का वो आ जाता है डेटा। इसमें देखें मुझे क्या क्या बता रहा है, 28 डिग्री, और कंडीशन को लेकर ये आपको एक आइकन दिखा रहा है, आपको कंडीशन लिख कर नहीं बता रहा है ये। ठीक है, सेंटीग्रेड में भी, फॉरेनहाइट में भी, दोनों में आप कर सकते हैं। फॉरेनहाइट पे क्लिक करूँगा, फॉरेनहाइट पे चला गया। प्रेसिपिटेशन क्या है कि बारिश होने के चांसेस कितने हैं, 8% है। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है, हवा में नमी का तनासुब 79% है। ठीक है, विंड यानी हवा की स्पीड क्या है, 13 किलोमीटर पर आवर ये हवा की स्पीड है। ठीक है, ये मेरी लोकेशन बता रहा है, ठीक है, चिश्ती नगर औरंगी टाउन। टाइम बता रहा है और दिन बता रहा है। अच्छा, कंडीशन यहाँ पे लिखकर भी बता रहा है, यहाँ पे लोगों भी बता रहा है, कंडीशन लिखकर भी बता रहा है। तो ये सारा डेटा जो है ना मुझे यहाँ पर एपीआई में भी मिल रहा होगा। क्लाउड 75, ठीक है, फील्स लाइक 23, सेंटीग्रेड में भी, फॉरेनहाइट में भी, दोनों में बता रहा है। ठीक है, अच्छा, ह्यूमिडिटी 70%, सही है, देख रहे हो। लास्ट अपडेटेड कितने बजे का डेटा है, ये इतने बजे का डेटा है लास्ट। ठीक है, अच्छा, प्रेसिपिटेशन 0 बता रहा है फिलहाल, ये प्रेसिपिटेशन इंच में और मिलीमीटर में 0। प्रेशर बता रहा है आपको, टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर सेंटीग्रेड में और फॉरेनहाइट में, दोनों में बता रहा है। ठीक है, विंड की डायरेक्शन बता रहा है, एक तो विंड की स्पीड बता रहा है किलोमीटर में, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से विंड यहाँ पे कराची के अंदर ये बता रहा है चल रही है। हमारा वो कितना बता रहा था विंड स्पीड, ये तो 13 किलोमीटर बता रहा था, क्या ये डेटा गलत लाया है? आपकी तरफ 3 चल रही होगी। अच्छा, इसमें अगर मैं कराची लिख दूं तो नहीं, कराची में भी 13 ही। वेल, ये डिफरेंट वेदर के जो डेटा होता है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है भाई। ये सर रियल टाइम डेटा है वेदर एपीआई? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये विंड की स्पीड नहीं है, सॉरी, ये विंड की स्पीड नहीं है, ये विजिबिलिटी है। विंड की स्पीड तो यहाँ नीचे आ रही है ना, 13 किलोमीटर, सही है, सेम है दोनों में, सही है। अच्छा, कंट्री पाकिस्तान है, लैटिट्यूड, लोकल टाइम इस वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है वो है, सिटी का नाम क्या है, रीजन का नाम क्या है, टाइम जोन इस वक्त क्या है, ये सब दिखा रहा है। जो जो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा है ये। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पे आपको इसमें से, इस डेटा में से आपको क्या गेट करना है, इस डेटा में से आपको गेट करना है ये ह्यूमिडिटी मिसाल के तौर पर। तो क्या लिखोगे आप, डॉट करंट डॉट ह्यूमिडिटी, आगे लिख के देखते हैं।
मैंने कहा वेदर डेटा डॉट करंट, ठीक है, डॉट ह्यूमिडिटी मुझे चाहिए ना, ठीक है, वेदर डेटा डॉट करंट डॉट ह्यूमिडिटी। इसको मैंने रिफ्रेश किया, कराची लिखा, गेट वेदर किया, तो आप देखें क्या मुझे मिल गया, 70 मिल गया, सही है। अच्छा, इसी तरीके से मुझे अब क्या ऐड करना है, ह्यूमिडिटी हो गई और इसके अलावा टेम्परेचर सेंटीग्रेड में मुझे ऐड करना है, तो 28 मिलना चाहिए मुझे। मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर सी, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, कराची लिखा, तो मुझे ये 28 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, लोकेशन में मुझे ये क्या ऐड करना है, मिसाल के तौर पर मुझे कराची लिखा हुआ ऐड करना है, तो लोकेशन डॉट नेम करूँगा मैं, राइट, मैं करूँगा करंट नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा लोकेशन डॉट नेम, रिफ्रेश किया मैंने और यहाँ पे कराची लिख के मैं एंटर करूँगा, तो देखो लोकेशन डॉट नेम में कराची था, सही है, ये वाला, ये मुझे यहाँ मिल गया। अब आप लोगों को करना क्या है, ये वेदर ऐप तो मैंने बना दी पूरी, राइट, अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना ये कि इस वेदर के डेटा को ना यहाँ नीचे प्रिंट करवाना है अच्छे तरीके से, सही है। और ये जो मैंने इनपुट लिया हुआ है ना, इसमें भी CSS वगैरह लगा के इसको लश पश वेदर ऐप बनानी है पूरी। मेरा नहीं ख्याल कि वेदर ऐप में अब जो हम वेदर ऐप जो आप बना सकते हैं ना, CSS जस्ट लगानी है, कुछ भी नहीं करना। और ठीक है, ठीक है, ये वैल्यूज़ ऑलरेडी जो मिल चुकी है आपको, ऑलरेडी मैंने कॉन्सोल पर प्रिंट करवा दी है, इस वैल्यू को जस्ट आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तमाम वैल्यूज़ को, जो जो डेटा आ रहा है ना, तमाम वैल्यूज़ को आपने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। और एक लश पश किस्म की वेदर ऐप मुझे चाहिए अगली क्लास में, ताकि मैं थोड़ी अपनी भी मार्केटिंग करूँ, थोड़ी आपकी भी मार्केटिंग करूँ एनिमेशन के साथ। एनिमेशन अगर लग जाए तो क्या ही बात है, इसमें एक जगह पे फोटो भी आ रही होती है, भाई हो जाएगी। अच्छा सर, वो भी पढ़ाने वाला समय बाकी, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सब टॉपिक वो भी कंप्लीट करना बाकी है। अच्छा, आप देख रहे हैं कंडीशन के अंदर इसने आइकन भी दिया हुआ है, ये आइकन अगर मैं कॉपी करूँ और मैं इसको ले जाके ना यहाँ पे पेस्ट करूँ, अगर सर जावास्क्रिप्ट से भी तो एनिमेशन लगती है, एनिमेशन बिल्कुल, ये देखो ये फोटो भी छोटी सी दे रहा है, ये खुद ही दे रहा है, तो आप इसमें एनिमेशन अलग से भी लगा सकते हैं, इस आइकन को अगर यूज़ कर लें तो भी ठीक है। पार्शली क्लाउडी देखो लिखा हुआ भी आ रहा है कंडीशन के ऊपर। तो भाई कहने का मकसद ये है कि अगली क्लास जो भी होगी ना आपकी, अब अगली क्लास इंशाल्लाह आपकी होगी सैटरडे को, राइट, तो सैटरडे को ना मुझे एक लश पश किस्म की वेदर ऐप चाहिए, जिसको मैं ना चीज़ें प्रिंट करवानी, सब सब चीज़ें जो जो करवा सकते हो ना, जो जो एक वेदर ऐप में होती है, ठीक है सर, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं सारी इसमें, जो मोस्ट मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट कॉमन किस्म का ही डेटा ही आपको दे रहा है, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे भी नहीं रहा। देख रहे हो ना यहाँ पे प्रसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड, मोस्टली क्लाउडी, कराची है वेदर का से, करंट इस वक्त टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ें ही आपको बता रहा है, ठीक है। विंड की डायरेक्शन वगैरह भी देखें आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो विंड की डायरेक्शन अगर आप उसको कंपास बना के शो करवा दें तो फिर तो और क्या ही बात है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं क्लास में आते ही मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मैं जो है ना मोबाइल फ़ोन निकालूँ अपना और वीडियो बनाऊँ आपकी, देखूँ आपने क्या बनाया है और उसको फेसबुक पे लाइव पोस्ट कर दूँ, सही है। अगली क्लास में मुझे ये चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात देखो, हम क्लास की टाइमिंग से आधा घंटा ऊपर आ गए वैसे, देखो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए आप लोगों को। भाई जब जाओगे ना किसी जगह जॉब पकड़ने के लिए, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने अमेरिका से वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है, या सर इंजमाम से किया हुआ है, या सिसबॉर्ग से किया हुआ है, या सैलानी से किया हुआ है, सैलानी इस वक्त टॉप सबसे चल रहा है, ये वो आपसे ये नहीं पूछेगा आपका एम्प्लॉयर। मैं मुझे बंदों की जब ज़रूरत होगी ना, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे जब कोई डेवलपर हायर करना होगा, मैं जब ऐड लगाऊंगा तो मैं उसमें साथ में लिखूंगा कि जिस बंदे के पास पोर्टफोलियो नहीं है ना बना हुआ दिखाने के लिए, उसको आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बना हुआ होना चाहिए आपके पास जब ही आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और जब आप जाके बैठेंगे ना इंटरव्यू में, तो वो आपसे बोलेगा कि भाई बनाया क्या है ज़िंदगी में वो दिखाओ। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने अभी HTML, CSS और JavaScript ये तीन चीज़ें पढ़ ली हैं, और इन तीन चीज़ों को पढ़ने के बाद मैंने ये ऐप बनाई है वेदर ऐप।
अच्छा तो इसका तकाजा क्या है कि आपकी ये तीनों चीज़ें इसमें झलकनी चाहिए। इसमें HTML तो ज़ाहिर है ही, ठीक है, CSS इसमें ऐसी लगी हुई होनी चाहिए, तीन डिवाइसेस पर रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, जो शेडो वेडो बॉर्डर रेडियस वेडियस जितना आप उसको बेहतर बना सकें, ठीक है, उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लगा दीजिएगा। आजकल एक ग्लास वाला इफेक्ट बड़ा चला हुआ है, ठीक है, वो ग्लास वाला इफेक्ट पता है आप लोगों को क्या उसका नाम है, ग्लास इफेक्ट CSS, वो सिंपल CSS ही है भाई, दबे ग्लास मॉर्फिज्म, राइट, ये CSS आपको छोटी सी एक लिख के दे देता है, ये बहुत सिंपल सी CSS है। इसमें ना स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा है, स्क्रीन अपनी ये शेयर नहीं, मैं ये URL शेयर कर देता हूँ आप लोगों से, ग्लास मॉर्फिज्म है, और मैं स्क्रीन भी अपनी शेयर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये भाई ग्लास मॉर्फिज्म है। मैंने क्या गूगल पे लिखा है, ग्लास इफेक्ट लिखा है जाके, और CSS लिखा है साथ में, तो ये css.glass करके ना एक ये आ गया है, आप ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ना इसको, देख रहे हो कैसे बन के आ रहा है अच्छा सा, और यहाँ से ये आउटलाइन वगैरह इसकी आप कम कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लर आप आगे पीछे कर सकते हैं इसका, ठीक है, कलर इसका वाइट है, आपने कहा यार रेड हो जाओ कलर, या ब्लू हो जाओ, या ग्रीन हो जाओ, ठीक है, ये नीचे CSS आपको ऑटोमेटिकली बना के दे रहा होता है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ वेबसाइट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं इसको लेकर ना, ग्लास इफेक्ट को लेकर, ये एक वीडियो है छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी, बे भाई क्या सीन है इसका ये, ठीक है, इसकी आवाज़ मैंने म्यूट की हुई है सर, इसका भी लिंक रहा, हाँ ये देख रहे हो बना के इसने दिखाया भाई, ये CSS से ना ये बना रहा है, ग्लास कैसे बनेगा वो बना के दिखा रहा है, ये बैकग्राउंड लगाया, और बैकग्राउंड लगाने के बाद इसने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, और उस बॉक्स के ऊपर क्या कर दिया इसने, उस बॉक्स के ऊपर वही वाली CSS लगा दी, ग्लास वाली, देख रहे हो ये लग गई CSS ग्लास वाली इसके ऊपर, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको ये लिंक भेज देता हूँ। तो भाई लश पश किस्म का जो है ना, तो हमने क्या देखा कि आप जब आप बनाएंगे ना एज अ पोर्टफोलियो, आप जब दिखाएंगे ना कि मैंने HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया, JavaScript पढ़ लिया, तो अब जो आप पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं उसमें ये तीनों चीज़ें झलकनी चाहिए। JavaScript तो आपकी झलक रही है, वो API से गेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं आप, ठीक है, और CSS भी उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कुछ ना कुछ, और HTML तो उसमें। वेबकिट क्या होती है वैसे? वेबकिट CSS के अंदर जो वेबकिट होती है उसकी बात कर रहे हैं। असल में वेबकिट जो है ना वो इंजन है एक, जो गूगल क्रोम है ना उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसका नाम है V8, और सफारी के अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसका नाम है वेबकिट। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं CSS की जो आप ना डायरेक्ट लिखते हैं तो वो सिर्फ क्रोम पे चलता है, सफारी पे काम नहीं करता। सफारी पे आपको क्या करना पड़ता है, वेबकिट के साथ लिखना पड़ता है, ठीक है, एक वेबकिट होता है, फिर एक मॉज करके होता है, वो मोज़िला फायरफॉक्स में, मोज़िला फायरफॉक्स का जो इंजन है उसका नाम है स्पाइडर मंकी, तो वो उसके मॉज करके लगाना होता है। अच्छा, ये है सिर्फ CSS3 के ना कुछ एडवांस हैं उसी में है, ये वो पुराने वालों में नहीं है, मतलब विर्थ हाइट मार्जिन पैडिंग ये तो सब में सेम है CSS, लेकिन जब आप थोड़ी एडवांस CSS लगाते हैं ना, जैसे ट्रांसपेरेंसी वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, उसमें आपको वो मॉज करके और वेबकिट करके अलग से देना होता है। वो HTML की जो बुक है ना आपकी, वाइले HTML, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको उसने तीन तीन करके दिया हुआ, और कौन कौन सी उसको सिर्फ एक करके दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में, और ये कोड मैं पुश कर देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ये बना लेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये परसों तक का जो टाइम दिया है तो ये कम नहीं है क्या? अरे भाई, ये ऐप के लिए सर, ये इसमें करना क्या है मुझे, ये इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा तो बना हुआ है, ये मैंने कंसोल पे प्रिंट भी करवा दिया है, इसको जस्ट एक आपने H1 बनाना है, उसमें सेंटीग्रेड प्रिंट करा देना है, उसके बाद एक पैराग्राफ बनाना है, उसमें वेदर कंडीशन प्रिंट करा देना है, चार पांच चीजें प्रिंट का मसला नहीं है, मैं शशको की बात कर रहा हूँ, सूरज का निकलना और फिर CNN पे यूं करके बताना, समझा करें जरा। अच्छा अच्छा, चलें आप मुझसे अगली क्लास तक जितना आपसे बन जाए ना आप उतना दिखा दीजिएगा, फिर मंडे को आप या ट्यूसडे को जब भी होगी अगली क्लास तो उस वक्त आप प्रॉपर बना के दिखा दीजिएगा, अब सही है सर? क्लास की रिकॉर्डिंग जरा अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, ये मैं तो अभी मैं कर दूंगा। ठीक है बाबर भाई, आपसे अगली क्लास तक जितना बन जाए ना उतना आप अगली क्लास में दिखा दीजिएगा, बाकी आप फिर उसके बाद वाली क्लास में दिखा दीजिएगा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है।
और ये जो क्विज है आपका, ये जो बहुत आपके यहाँ लिखा हुआ है ना ग्रेडेड क्विज, ये आपका ग्रेडेड क्विज है और ग्रेडेड असाइनमेंट है, ठीक है। यानी ये असाइनमेंट अगर आप बना लेते हैं तो ये प्रूफ करता है कि आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है, ठीक से पढ़ ली है अगर आपने, ठीक है। और हो सकता है मैं आपको एक असाइनमेंट और दूं पहले, लेकिन ये तो बनाए आप, लेकिन ठीक है। असाइनमेंट्स जितने ज़्यादा दूंगा उतना बेहतर आपके लिए, क्योंकि जाहिर है एक असाइनमेंट एक पोर्टफोलियो, दो असाइनमेंट दो पोर्टफोलियो, ठीक है। तो जो मुर्गी रोज़ दो अंडे देती है वो सबको ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले एक बना लें, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी एक असाइनमेंट आपको मैं और दूँ जी। किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। बाय। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।